आई थिंक दैट के अब लाइव पर जाने वाले हैं hey guys, बात साहब क्या हाल चाल फटाफट भाई ढेर सारा थम्सअप में मुझे कुछ दे दो यार वेयर आर वी यहां से कहाँ गए भाई मेरे कर्सर थोड़ा सा मुझे गाइस कर्सर जो है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है है ना तब तक यार कुछ गाना वाना सुनाओ आप लोग <laughs> क्या हो रहा है <laughs> अरे भाई इज्जत रख ले भाई हाँ थोड़ी इज्जत लगता है बचेगी यस यस बात सब गाइस क्या चल सब बढ़िया सब ओके सब डार्डन, क्या चल है लव यू ऑल गाइस व्हाट्सअप हाय मत बाद क्या हाल चाल है यहाँ पर पागल लोग आए थे <laughs> अरे नहीं नहीं, नहीं ऐसे लैंग्वेज नहीं यूज करनी है लोग आए जो भी है सबका स्वागत करना है सॉरी hey so, यार आज तो देर आर सो मेनी सेशन सो मेनी सेशंस यार और uh, बहुत लेट uh, हो चुकी है बट uh, फिर भी वी विल ट्राई दैट के यार के एटलीस्ट वन पॉइंट फाइव आवर्स सेशन चलाया जाए स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी इन लाइव सेशन विद अस वो रिकॉर्डिंग देखेंगे है ना अपन टाइट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बोलो जितने लोग साथ में हो कुछ भी लोग हो साथ में आई थिंक डेट कुछ तो हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ तो हो गए है ना बिकॉज आई आई एम नॉट एबल टू सी दैट के कितने लाइव हो नहीं हो बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लेट हैड्स ऑफ टू योर डेडिकेशन गाइस चलो शुरू करते हैं देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग है ना गाइस बोलो सो so, Me, क्या करना है टाइट्रेशन वैसे तो लास्ट क्लास की बातें आपको याद है, तो लास्ट क्लास की बातें अगर नहीं भी याद है आपको तो वैसे तो मेरे पास कोई ब्लैंक पेज भी तो होना चाहिए ब्लैंक स्टक भाई अब ऐसे मत कर हाँ है तो चल तो रहा है ना थोड़ा तो चलना चाहिए स्टक नहीं होना चाहिए नहीं। 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 स्टक हो गया भाई मेरा रिफ्रेश करना है क्या अगेन हाँ आई थिंक दैट नाउ इट विल वर्क ये 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 ना नो नोप 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 नो। 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 बहुत नखरे चल रहे हैं इसके तो तंग करने वाले ही हैं मुझे समझ में आ रहा है मुझे ओके okay, guys, चलो ऐसा करते हैं लास्ट क्लास की बातों को पहले रिवाइज करते हैं भाई टाइम का जो पंगे पड़ गए हैं उस वजह से लगता है कि क्या? पहले रिवाइज uh, कराऊं लास्ट की बातों को लास्ट क्लास के रिवीजन फटाफट करा दिया जाए क्या ढूंढ लास्ट लास्ट लिया करो एन फैक्टर का यूज किया है तो इक्वेल वेट निकालने में आप एटोमिक मोलर मास को डिवाइड कर सकते हो एटोमिक मास या मोलर मास को मास हो गया मॉलिकुलर मास हो गया एक मोल का मास ले लीजिए आप एटम का या एक मोल का मास ले लीजिए मॉलिक्यूल का सो वन मोल मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल व्हेन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर गिव्स यू इक्विवेलेंट वेट है ना इसका डिस्कशन चल रहा था एंड एन फैक्टर के लिए ये तो फॉर्मूला मैंने रिवाइज कराया लेट मी रिवाइज एन एग्जाम्पल के सपोज दैट के आई हैव दिस काइंड ऑफ स्पेसिस एन कन्वर्टिंग इन टू सो

नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय वन मोल स्पेश ठीक है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय वन मोल स्पीशीज सेलकुलेट कर सकते हैं सो so, अप्लाई करते हैं इस फॉर्मुले को मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ और रिवाइज करने के बाद मुझे फर्दर आगे प्रोसीड करना है सो एन टू के लिए देखिएगा एन टू के लिए क्या बातें हो रही है एन फैक्टर इज एक्स मॉडल वॉज एक्स

थैंक यू स्मिथ थैंक यू मिस माई जोली हेयर आफ्टर आई जे क्लास रायन भाई क्या बात है आई क्यू क्लास के बाद यहां भी पहुंच के रायन बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच यार चलो सो रिविजन करवा रहे थे इन फैक्टर का किस तरह से इन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं सो so, ये बेसिक तरीका है, है ना तो आज हमारा पर्पस है टाइट्रेशन के सेक्शन को सीखना जानना और फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना क्विजेस करेंगे अभी तक जितना कुछ भी हमने आयु जेस में पढ़ा है उससे रिलेट करके क्विज करेंगे आई विल ट्राई दैट के एक मिनटी क्विज भी तैयार हो जाए ताकि थोड़ा मज़े भी ले सके हम और वैसे भी क्वेश्चन की सॉल्विंग करें ठीक है आज थोड़ा रिलेटिवली कम टाइम रहेगा बिकॉज वी हैव स्टार्टेड लेट आज बहुत ज़्यादा सेशंस हो गए थे है ना कुछ टीचर्स नहीं थे उनके भी सेशन लेने पड़े सो so, बहुत ही बहुत ही थोड़ा हौच पौच हो गया था बट स्टिल है ना क्लास हमने चेंज नहीं होने दी भाई आज पढ़ना तो पढ़ना है कैसे भी चाहे लेट हो जाए देर या सवेर बट वी हैव टू रिवाइज वी हैव टू प्रोसीड फर्दर इन द सिलेबस और आपको बता दो देखो अभी हम लोग फर्दर कैसे चलने वाले हैं मैंने बताया सी आज की क्लास में टाइट्रेशन के बेसिक जान रहे हैं सॉल्विंग करेंगे कुछ नेक्स्ट क्लास विल बी काइंड ऑफ के सॉल्विंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स अभी तक जो हमने आई क्यू जी में किए हैं एवरी टॉपिक उसके बाद फर्दर आपका लेक्चर होने वाला है कंप्लीटली पेपर सॉल्विंग का एन एस सी जे एस टू थाउजेंड सेवनटीन टू थाउजेंड सिक्सटीन ये होने वाला है फिर एसिड बेस का लेक्चर होने वाला कंप्लीट जीरो से फाइनल तक है ना और कुछ सम स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन जस्ट फ्रॉम द आजीएस लेक्चर जो कि अभी खत्म किया था वहां पर भी हमने एसिड बेस किया था बट अब एक कंप्लीट आपको आई यू की एस की कंप्लीट ना रिकॉर्डिंग आपके पास हो जाएगी एसिड बेस सॉल्ट की पूरी जीरो से लेकर के जितना सेकंड पेपर यानी कि आई एन जे एस ओ तक और एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आई एन जे एसो का भी हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है ऑलरेडी आई एन जे सो की प्रैक्टिस का दिन भी आपके लिए अनाउंस होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ कि अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ आई एन जे एसो का डिस्कशन कहीं भी इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलता मे बी दैट कि हम वेदांत ओलंपियाड स्कूल के थ्रू जो भी हम करना चाहते हैं जो अवेयरनेस लाना चाहते हैं ओलंपियाड के लिए उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा हम स्टार्ट करने वाला आई एन जे एस ओ का डिस्कशन होगा जैसे वैसे ही आई एन सी एच ओ का भी डिस्कशन में मैं करने वाला हूँ आईओ क्यू सी वाले सेक्शन में सो so अपने आप एक बहुत यूनिक चीज होगी बट हां आई एन जी एच ओ का डिस्कशन एक बहुत ही लॉन्ग एंड टीडियस पेपर होता है लॉन्ग एंड टीडियस पेपर दैट मीन्स के पेपर के क्वेश्चन लेंदी होते हैं एनालिटिकल होते हैं बहुत पेशेंस चाहिए बहुत ज्यादा ही पेशेंस चाहिए बहुत एग्जॉस्टिबल होता है सो so जो एग्जॉस्टिबल नहीं है लोग उन्हीं के लिए वो डिस्कशन होगा है ना तो उसमें ना वो दम दिख जाएगा आपका कि आप कितने दम वाले हो ओके okay, सो so मैं बता रहा था कि प्रोसेस अभी कैसे चलने वाले हम लोग और मुझे आप आज की आज बताएंगे क्लास खत्म होने पर कि आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेगी नहीं आपके लिए असाइनमेंट है आपके लिए पीडीएफ नोट्स के हैं मुझे लगता है कि आपको कम से कम ना अभी तक जो जो भी डिस्कशन हुआ है उसके पूरे कंप्लीट रेडॉक्स के तो कंप्लीट नोट्स आपको आज जो आपको मिस कर गए थे जो आपको नहीं मिला था ऑल दो ऑफ रेडॉक्स यू विल फाइंड इन द लिंक्स एकदम कंप्लीट एंड यू विल ऑल्सो हैव असाइनमेंट्स सो आप एनी वन अमंग यू विल टेल मी दैट कोई ना कोई मुझे जरूर बता देना कि यस सर वी हैव गॉट आवर पी डी एफ फाइल्स और नोट्स बहुत मजेदार है दोस्तों मैंने आपको जितना पढ़ाया उससे और ज्यादा इलेबरेटेड वे में जीरो से लेकर के नोट्स बने हुए हैं बहुत क्लासिकल है बहुत अच्छे हैं अल्टीमेट सो आप नोट्स देख सकते हो हाँ आप देखोगे नोट्स मेरा बातें उतनी ही हैं जितना कि ना सेकेंड स्टेज तक बातें की जाती हैं उससे फाइव परसेंट टेन परसेंट थोड़ा ज्यादा होगा बट उससे कम नहीं है और बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है आपके लिए कि आप बिना मेरे भी पढ़ सकते हो और वैसे इंपॉर्टेंट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव गिवन इन द वीडियो आई हैव टोल्ड यू इन द वीडियो ट्रिक्स भी बताई हुई हैं हाँ वीडियो में हो सकता है ट्रिक्स कुछ ज्यादा ही मिल जाए हो सकता है कि नोट्स में वो चीजें हो सकता है देखिए अब वीडियो कुछ स्पेशल देर शुड भी समथिंग स्पेशल इन वीडियो ऑल्सो है ना देर शु बी स्पेशल इन द दीडीएफ फाइल ऑल्सो नहीं तो फिर क्या ही फायदा सो देर इज समथिंग स्पेशल इन द पीडीएफ फाइल ऑल्सो देर इज समथिंग स्पेशल इन द वीडियो ऑल्सो कुछ चीजें होंगी जो वीडियो में होंगी आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए पीडीएफ फाइल इज सफियट बट हाँ कुछ चीज़ें तो मैंने वीडियो में बड़ी अच्छी बताई है ठीक है सो so, दैट के भाई वीडियो पे आकर यहाँ पर टाइम बिताना आपका यूजफुल हो ऑब्वियसली ठीक है सो so, गाइस आप पीडीएफ फाइल जरूर देख करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे

उसके बाद मैंने बताया कि एक सॉल्व करेंगे, फर्दर उसके बाद क्या करेंगे? वे का लगाएंगे। फिर एक वीक की, की प्लानिंग आपको ऑलरेडी बता दी सो लेट एस स्टार्ट टाइट्रेशन है क्या पहले तो टाइट्रेशन के बारे में जानना टाइट्रेशन है क्या सो so, पहले आप गुरु मंत्र जान लो वट इज द गुरु मंत्र वाइट्रेशन गुरु मंत्र ये दोस्तों टाइट्रेशन ज ए रिएक्शन इन विच समथिंग सम क्वांटिटी इज अनोन केमिस्ट्री में जब आप कोई प्रैक्टिकली आप किसी अनोन को ढूंढने जाते हैं थ्रू एनी रिएक्शन केमिस्ट्री में लैबोरेटरी में बाय प्रैक्टिकल मींस इफ यू आर गोइंग टू फाइंड सम अनोन वैल्यू दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। इतना इजी टेक मैकेनिक सर पुराने क्लास के एक साथ देखिए आपको जो रेडॉक्स के जो कंप्लीट नोट है ना आज की लिंक में जाने ही जाने मैंने सब ऐड करवा दिए हैं जो भी आपको छूटे हुए थे टेक मैकेनिक टेक मैकेनिक टेक मैकेनिक देखिए आप इसी तरह से मैसेज करते वैसे ही मैं अभी आपका नाम लूँ टेक मैकेनिक टेक मैकेनिक टेक मैकेनिक टेक मैकेनिक टेक मैकेनिक पुराने क्लास के नोट्स तो डाले ही नहीं आपने के क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने कि सारे के सारे मिल रहे हैं आपको ठीक है आज तक के मिल जाएंगे आपको एकदम टेंशन फ्री रहिए आपने इन्फॉर्म नहीं करना है मुझे तो मुझे पता नहीं चलेगा देखो मेरे पास बहुत सारे काम है मैं ना मैं बहुत कुछ चीज़ों पे ना जो छोटी चीज़ें उन पर भूल जाऊंगा आपको रिकॉल कराना आपको बताते रहना आप नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा यार क्या चीज़ें छूट गई या नहीं छूटी हैं हर चीज़ें मैं नहीं देख सकता समझिए इसे समझ रहे दर्द को नहीं समझ रहे बहुत दर्द है और आज तो क्लासेज इतनी ली है कि अंदर से आग लगी सीने में आग लगी हुई और कोई ढंग से अभी कोई पानी भी लाने वाला भी नहीं है सो मुझे पहचाने है रॉक शोज पहचान गए दोस्त आ गए आप ओके गाइस सो मैंने अभी टाइट्रेशन का डेफिनेशन क्या बताया कौन मुझे बता रहा कौन रिकॉल करा रहा है टाइट्रेशन का सिंपलीफाइड कॉन्सेप्ट हो चुका है आजकल टाइट्रेशन मींस इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सम अननोन वैल्यूज इन अ केमिकल रिएक्शन बाय प्रैक्टिकल मींस दैट प्रोसीजर इज नोन एज टाइट्रेशन प्रैक्टिकली आप कोई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के मेथड के थ्रू किसी अननोन वैल्यू को ढूंढने जा रहे हैं सपोज दैट कंसंट्रेशन ढूंढने जा रहे हैं वेट ढूंढने जा रहे हैं मोल्स ढूंढने जा रहे हैं मोल पर लीटर में कोई वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं दिस इज इज प्रोसेस टाइट्रेशन इतना इजी है यार सो so, अगर एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है मैं अभी आगे स्लाइड्स पे भी स्लाइड्स के थ्रू भी स्लाइड्स में कुछ अच्छी बातें डाली हुई हाँ, यस yes, जिया टू फाइंड अननोन वैल्यू इन शॉर्ट टू फाइंड अननोन वैल्यू दैट इज टाइट्रेशन सर रेडॉक्स एक बार दोबारा बता दो वरदान ये कैसे होगा मेरे दोस्त कैसे होगा दोस्त हम लोग इतनी सारी चीजें रिडॉक्स में डिस्कस कर चुके दोबारा नहीं हो सकता ना वरदान वीडियो देख लो दोस्त प्लीज 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 प्लीज, प्लीज मेरे दोस्त प्लीज देख लेना प्लीज ओके चलो सो so, भाई टाइट्रेशन का मैंने पहले ही आपको ना बेसिक बता दिया इतनी सारी बातें जो लिखी है ना दोस्त आप अगर इनको भूल भी जाओगे कोई टेंशन नहीं जितनी बातें वी विल डिस्कस ठीक है जितनी बातें वी विल डिस्कस थ्रू स्लाइड्स गाइस अगर आप उसको भूल भी जाओगे बट यू शुड नॉट फेट एन फैक्टर सुना 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 आपने यू शुड नॉट फोगेट एन फैक्टर आपको ना एन फैक्टर नहीं भूलना है आप ये सब जो पढ़ाने वाला भूल जाइए टाइट्रेशन का बेसिक मीनिंग अभी बताया था मैंने यू शुड नॉट फोगेट दैट आपको वो नहीं भूलना है वट शुड यू नॉट फोगेट दिस टर्म्स टर्मिनोलॉजी चिल भूल भी जाओ कोई बात नहीं यू शुड नॉट फोगेट दैट वट इज टाइट्रेशन टाइट्रेशन इज एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रोसीजर इन केमिस्ट्री थ्रू विच वी फाइंड सम अनोन वैल्यूज फिनिश एंड दीज टर्म्स अफ काइंड के बहुत कम लोगों को याद रहेगा टाइट्रेशन का चलो यहां पर तो पूरा एक इंग्लिश में द इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ टाइटेशन इज देर बट आई हैव कॉन्सेप्चुअली डिलीवर्ड द डेफिनेशन ऑफ टाइट्रेशन क्या लिखा है फॉर टाइट्रेशन इज अ कॉमन लैब मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनेसिस क्वांटिटेटिव मीन्स के क्वांटिटी बेस्ड

सो so, कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि वो याद रखेंगे कि व्हाट इज टाइटर एंड व्हाट इज टाइटर दिस इज काइंड ऑफ कि बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज याद ही नहीं रहेगा किसी को व्हाट टाइट और टाइट 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 नहीं याद आ जाएगा टाइट याद ही नहीं आने वाला क्या ही याद आएगा अब ये देखिए इनके नखरे चल रहे हैं है ना ये मुझे इनके नखरे पसंद नहीं आते टाइट्रेशन टर्मिनोलॉजी के ही सेक्शन में हमने डाला टाइट्रेशन दो तरह के इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन टू इंपॉर्टेंट टाइप्स टाइट्रेशन मीन टू फाइन समल्यू एंड टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट आर कॉमन इन आवर होल सिलेबस इज एसिड बेस्ट टाइट्रेशन एंड एसिड बेस्ट रिएक्शन सी एसिड बेस्ड रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बिकॉज

ये, ये ये क्या था नो क्या है हाय देवश्री बस आप नो यस क्या चला जी या, you, यार थैंक सो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है भाई, है। भाई एसिड बेस रिएक्शन विल बी टू बी फाउंड इन द रेडॉक्स रिएक्शन राइट देवश्री नाइस दैट्स गुड यार सो so, भाई ये क्या हुआ <laughs> ओके, okay. so, भाई स्लाइड थोड़े नखरे मार रहे हैं। तो हाउ टाइट्रेशन वर्क्स मैं बताऊं टाइट्रेशन के लिए ना क्या करना है आपको आपको एन फैक्टर का ध्यान रखना है बात बन जाएगी एन फैक्टर का ध्यान रखने के अलावा आई एम गोइंग टू डिस्कस सम फॉर्मुलेस जो बहुत ट्रिकी वे में काम आएंगे इक्वेलेंट वेट बड़ा ज़रूरी है इक्वलेंट वेट बड़ा ज़रूरी है है ना और देखो गाइस बीच बीच में मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि किस तरह से अगले एक वीक का प्लान है आई यू का और वीक बाई वीक हमारी प्रिपरेशन और इंटेंस हो जाएगी सेवनटीन को हमारा एग्ज़ाम है सो मैं ना डिस्कशंस को ना आगे चल करके पर डे कर दूंगा कंटिन्यूस मुझे रिजल्ट चाहिए चाहे इसमें जान चली जाए अपनी जान जाएगी नहीं ये हो जाएगा कि हाँ कुछ <laughs> कुछ हो भले जाए जहाँ नहीं जाने वाले इतने तो कमज़ोर नहीं है हम है ना हमने कितनी एक्सरसाइज वगैरह क्यों किए भाई बिल्ड क्यों किया खुद को नमस्ते सर कैसे हो सक्षम सभी लोग इधर भी आ गए क्या? आफ्टर क्लास वर्क so, करेगा इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं? <laughs> यार ये, ये किसने नजर लगा दी है कुछ यार नजर लगा दी <laughs> गलत बात है यार बहुत गलत बात देखो ना क्या हो गया आज इसे बहुत <laughs> मूड खराब कर रहा है मेरा कोई गाइस देखो क्या समझा रहा हूं मैं टाइट्रेशन को ना फटाफट समझने के लिए आपको ना कुछ फॉर्मुलेस फॉर्मुलेस को समझना है कुछ फॉर्मूले कुछ रिलेशन को समझना है अब यहां पर ना ब्लैंक पेज आगे ना स्लाइड्स पे था नहीं तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं फिर आपको स्लाइड्स पे जाकर के रिलेट करके समझाऊंगा फटाफट सब समझ में आएगा तो आर यू रेडी इसके लिए पहले तैयार हो जाओ फॉर्मुले एंड रिलेशन कुछ है जो कि टाइट्रेशन से रिलेट करके समझने टाइटेशन का बेसिक मीनिंग मैंने बता दिया है ठीक है रेडी 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 आर यू बताओ बताओ भाई क्या कर रहे हो रेडी रेडी यस सर यस सर यस सर दैट इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर यार देखो ये क्लासरूम है नहीं गाइस है ना यहाँ पर आप अगर मेरे सामने बैठे रहते ना इस क्लासरूम में क्या मजा आता भाई ओह हो मैं मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा ऑफलाइन क्लासरूम को जबकि मैं स्टूडेंट्स को इतना तंग करता था सामने सामने बोर्ड पर ना मैं पहले कॉन्सेप्ट बता करके जब नेक्स्ट टाइम जब मैं बोर्ड पर लिखता था तो आई यूज टू ना टेल द अपोजिट थिंग्स मतलब फर्स्ट आई विल डिलीवर द कॉन्सेप्ट एंड देन आई विल जस्ट ट्विस्ट देम एंड आई विल ना काइंड ऑफ के एक्ट लाइक like, के हाँ यही तो बताया था जस्ट टू चेक दैट कि यू आर अटेंटिव और आप फंस जाते थे कितना मजा आता था लोगों को फंस आता था बस सब कुछ बहुत मिस करता हूं मैं यहाँ पर ना बिल्कुल काइंड ऑफ रोबोटिक टाइप ऑफ ना सिचुएशन होती है कि जस्ट कैमरे के सामने मैं बोले जा रहा हूं सो so, आपका जो ये यशन और जो प्यार है ना बस वही जो है यार थोड़ी एनर्जी देता है सो so, प्यार बढ़ा करके है ना वो नहीं मिलेगा तो जान निकली रहेगी अपनी हम भी सर ओ हो हो थैंक यू विश्वज्योति सो गाइज कीप अप द एनर्जी है ना? अगर दो तीन लोग भी हो तो भाई फील कराओ जैसे 200 300 दो तीन <laughs> भी हैं तो 200 300 फील कराओ बाकी मुझे क्या मैं तो सारे कॉन्सेप्ट ऐसी बताऊंगा जैसे कि कोई नई भी है फिर भी ऐसे क्लासरूम में कौन ही बैठा हुआ है देखो कोई क्लासरूम में तो है नहीं आई एम जस्ट स्पीकिंग कोई है नहीं सामने फिर भी बोलते जाना है सो so यार अब ट्राई करोगे दो तीन भी हो तो दो सौ फील कराओ यार फील कराओ थैंक यू सो फॉर्मुल रिलेशन क्या क्या है इस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू दैट फॉर एनी रिएक्शन पोज दैट ये रिएक्शन है हमारे पास है ना ये रिएक्शन है देखो ये रिएक्शन है कोई भी रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी रिएक्शन के लिए मोल्स कैन भी डिफरेंट थैंक यू स्मिथ स्मित थैंक यू सो मच सर मैंने कॉन्प्ट स्टेट ऑफ मेटर नुक्लियर प्योडी केमिकल बॉन्डिंग कॉन्टेट नंबर सोल्यूशन एसिड बेड सॉल्ट ऑर्गेनिक केमस्ट्री कर लिया सर ओ संभा बहुत अच्छा है है ना? तो बस प्रैक्टिस वाले सेशन को अच्छे से करते रहे हाँ सबके सब 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 यूज होंगे ठीक है अब बस तो बस चुपचाप कुछ नहीं करना अगर क्वालिफाई करना है लॉ ऑफ इक्यू दिस लॉ ऑफ इक्यू स्टेट्स दैट लॉ ऑफ इक्वेलेंस ये क्या कहता है लॉ ऑफ इक्ुलेंस स्टेट दैट इक्स ऑफ ऑल स्पेशीज इज सेम इक्स ऑफ ऑल स्पेशम इन अ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में इक्वेलेंट सेम होते हैं मोल्स में भी डिफरेंट बट इक्वेलेंट सेम होते हैं नाउ वट इज दिस इक्वेलेंट इस इक्वेलेंट को समझना है I am rubbing it and asking to you that tell me that ke, what is law of equivalence? Kaya law of equivalence? I just want to check that ke, you were concentrating or not. So, what is law of equivalence, guys? What is law of equivalence? Law of equivalence says that in a particular reaction, in a given reaction, equivalence of all species will be same. Equivalence of all species will be same. Now, what is equivalent? C. What is equivalent? dekhna Equivalent is a quantity derived from mole and that is given by n factor multiplied by mole see equivalent is a quantity that is actually product of n factor and mole so if you are going to write equivalence of a eq eq here means equivalence so equivalent of a will be n factor of a multiplied by moles of a स ऑफ बी विल बी इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ बी इलेंस ऑफ सी विक्वल टू एन फैक्टर ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ सी मोल्स ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ सी देखा फॉर्मुले बेस्ड चीज है अभी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं सर वाई डू यू कीप दिस क्लासेस सो लेट लाइट एंड सो लॉन्ग हाँ ये कैसा क्वेश्चन है गाइस टाइम कहाँ से लाऊंगा मैं कर दो तो मेरा दिन फिफ्टी आवर्स का मैं टाइम कहां से लाऊंगा <laughs> विजया रुबन। डे बिफोर यस्टरडे रोट एन टी एस सी स्टेज वॉसम दैट वेंट वेल राइट विजया रुबन दैट वॉज ओके यू आर हैप्पी विद द पेपर

इक्वेलेंट का अगर इक्ुवेलेंट यहां पर ए का लिखना है तो आप लिखोगे इन फैक्टर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ ए एंड कैन बी राइट इक्वेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ऑफ बी ये बताना कैन बी राइट लाइक दिस इक्वेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ बी सो इफ यू वर कॉन्सेंट्रेटेड इफ यर इफ यू वर कॉन्सेंट्रेटिंग यू कैन टेल मी दैट यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग हेलो प्रयास वॉट्स

कैसे इक्वेलेंस को यूज करने आना चाहिए सो दैट के सेकंड स्टेज सी दिस पार्ट जो हम कर रहे हैं टाइट्रेशन वाला पार्ट वो जनरली आपके फर्स्ट पेपर में नहीं आएगा वो आपके सेकेंड पेपर में आएगा आई एन टाइप है आई एनजे तक के लिए ओके भाई प्रयास में सारे तेरे क्वेश्चन का आंसर करूंगा अभी ना बहुत हेवी टाइम चल रहा है क्लास एंड पर तेरे क्वेश्चन का आंसर करता हूं ठीक है श्योर sure, चलो गाइस फर्दर आगे बढ़ रहे हैं लाइव नहीं कर पाऊंगा सॉरी इसलिए वेदांतों वाली भी नहीं की अभिदीप चल भाई कोई बात नहीं ठीक है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए अभिदीप एटलीस्ट भाई नॉलेज तो ले लेना ले देख लेना कि आपको चीजें कुछ मिस ना करो ओके सो प्रोसीडिंग गाइस बढ़ रहे आगे इस तरह से इक्वेशंस लिख सकते हैं ओके okay? अगर भाई आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं ना

वट इज द एन फैक्टर ऑफ जेड इन दिस रिएक्शन फटाफट बताओ एन फैक्टर निकालने के सारे तरीके आपको पता है <sighs> बताओ मुझे मुझे एन फैक्टर का आंसर चाहिए चल फैक्टर फॉर जिंक जिया आपने ध्यान नहीं दिया लगता जिया मैंने अभी ना यही बातें सिखाई थी वट इज इक्यू वैलेंट मैंने बताया कि इक्यू वैलेंट इज अ क्वान्टिटी दैट हैज बिन डिराइव फ्रॉम मोल सी भाई फिर से सुनिए मिस नहीं करना क्या देखो क्लास के बीच में आप अगर ना ध्यान इधर उधर करोगे फिर ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बार बार चीज़ों को बता पाना आप फिर एक काम कर लेना सी आपने एक बार ना वीडियो को ना रिवाइंड करके ज़रूर देखा करो दोस्तों पता है क्या टाइम के कॉन्स्टेंट से बहुत ज़्यादा और यार मैं सुबह नौ बजे से चला हुआ आज मेरी डाइट भी गड़बड़ाई हुई है सुना आई एम फीलिंग हैवी इन द चेस्ट सो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है मुझको अगर कहीं पर आपको लगता है ना कि आप मिस कर गए हो प्लीज ना वीडियो रिवाइंड करके देख लेना प्लीज 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 दैट इज अ रिक्वेस्ट ओके सो आदिति ने बहुत सही आंसर किया इन फैक्टर आ रहा है दूसरे लोग बता दो मुझे एन फैक्टर टू कैसे आ रहा है और मैं इक्वेलेंट के बारे में एक बार फिर से बता दूलेंट इज अ क्वान्टिटी डिराइव फ्रॉम मोल इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ इन फैक्टर एंड मोल एंड वॉट इज द नीड ऑफ इक्वेलेंट इक्वेलेंट की जरूरत क्या है अब भाई इक्वेलेंट अगर आप नहीं जानोगे तो लॉ ऑफ इक्वेलेंस अप्लाई कैसे करोगे यू कैनॉट अप्लाई लॉ ऑफ इक्वेलेंस इफ यू आर नॉट नोइंगट इज इक्वेलेंट बिकॉज लॉ ऑफ इक्वेलेंस इज दैट equivalence ऑफ ऑल species आर ऑलवेज इक्वल इन अ रिएक्शन Equivalence ऑफ ऑल species आर इक्वल इन अ गिवन रिएक्शन सो सारे species का equivalent बराबर होता है तो, equivalent है क्या Equivalent इज दिस प्रोडक्ट एन फैक्टर मल्टीप्लाइड by मोल है ना और ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं इसका प्रूफ नहीं जानना इसका प्रूफ है का क्लास ट्वेल्थ के फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से निकल जाता है बट प्रूफ की तरफ बिल्कुल नहीं जाना बेसिकली आपको इनको जानना है कि इनके रिलेशन क्या होते हैं मैंने इसीलिए हेडिंग दिया फॉर्मुलेज एंड रिलेशन जो जरूरी है टाइट्रेशन सीखने के लिए बेसिक से कुछ फॉर्मुले आने चाहिए अब जैसे यहां पर जिंक का ये रिएक्शन पता है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है सो इसे भी हम रेडॉक्स टाइट्रेशन के जैसा यूज कर सकते हैं अगर कोई अननोन वैल्यू होगी यहां पर इस पूरे रिएक्शन में तो रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की जगह रेडॉक्स टाइट्रेशन भी कह सकते हैं ठीक है so, देखो, जिंक के लिए इन फैक्टर निकालना है अब इन फैक्टर निकालने के दो तरीके हैं कांसेप्चुअली चल दो या फॉर्मूले से चल दो दोनों से फटाफट आंसर आ सकता है कांसेप्चुअली कैसे चलते हैं कांसेप्चुअली चलने के लिए आपको ये बोलना पड़ता है कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेनड बाय वन मोल ऑफ द स्पीशीज सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन जिंक हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0 एंड हियर इट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 सो इट हैज लॉस्ट 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स

देखा इस तरह से इक्वेलेंस निकाल सकते हैं आई बात समझ इक्वेंट निकाल सकते हैं नाउ द क्वेश्चन इज दी एल वाट इज द दूलेंट ऑफ एच सी एल ठीक इसी तरह से कैलकुलेट करोगे ना क्या करना होगा क्या क्या फाइंड आउट करना होगा एन फैक्टर और मोल निकालने होंगे है ना सो इक्वेलेंट ऑफ एच सी एल बताओ मुझे लक्ष्य क्यों 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 स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स क्यों नहीं मिलते वाई भाई यार अब यार क्या मैं बोलू ऑब्वियसली मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा ना मतलब मुझसे पूछ रहे हो क्या चिल करो यार स्कूल में अच्छे टीचर्स होने चाहिए नहीं होते हैं उसके लिए ना आंसर आंसर जो है मेरे पास तो नहीं है बट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए क्यों नहीं होते हैं है ना ऑबियसली गवर्नमेंट को या तो पैसे नहीं खर्च करने या फिर जो है फिर मेहनत करने से लोग भागते हैं कुछ होगा बट यार क्या ही फर्क पड़ता है अब तो YouTube है यार पढ़ो ना अच्छे से बिंदास YouTube है क्या सोचना है ये सब बातें बस सोचो चुपचाप पढ़ो जहां अच्छा मिलता है जो चे, जिस चैनल पे आपको कुछ अच्छा लगता है सब पढ़ जाओ इतना बिंदास रहो <laughs> क्या ही सोचना है है ना ओके सो इक्वलेंट ऑफ एस सी बताओ मुझे इक्वेलेंट ऑफ एस अरे यार शोर आ जाऊंगा बस जिंदगी मेरी बड़ी रहे मैं स्कूल भी आ जाऊंगा बताओ हाँ यस yes, समर्थ बट कैसे टू आया कैसे टू आया हाउ 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 कैन यू से दैट इट इज टू हाउ कैन यू से दैट इट इज टू कैसे कह सकते हो तो कि ये दो आएगा कैसे कह सकते हो तो कि ये आएगा बहुत इजी है सी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो अगर तुमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया सबका इक्विवेलेंट सेम तो अगर यू हैव फाउंड आउट इक्विवेलेंट ऑफ वन स्पीशीज जिंक का इक्विवेलेंट टू आया तो इसका भी टू होगा अगले वाले का भी टू होगा उसका भी टू होगा

सबने इक्वेलेंट समझ लिए बड़ा फटफट -फट निकाल सकते हैं एक स्पेसिस का कैलकुलेट करो सबके इक्वेलेंट बराबर हो जाएंगे बट ट्विस्ट देखिए क्या ट्विस्ट है आपको कैसे फंसाएंगे फिर फंसाने के तरीके देखिए सेम रिएक्शन जेड एन प्लस टू एच सी एल जेड एन टू एंड एच टू गैस सेम रिएक्शन आई हैव गिवेन यू वन मोल ऑफ जिंक

सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट टू है ना जिससे कि हमने पता लगा लिया कि क्या होगा एन फैक्टर तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इक्वल टू टू डन है ये अच्छा भाई है ना So, भाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन क्या ये टू आ गया यहां तक किया था हमने अभी जस्ट पीछे सो so, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इक्वलेंट ऑफ HCL कितने होंगे आप फटाफट करेक्ट बट एन फैक्टर ऑफ एच भाई ये बताना तो बहुत आसान था नॉट द n फैक्टर ऑफ HCL HCL का एन फैक्टर बताना है भाई क्वेलेंट तो आपने आपनेक्वेलेंस बता दिया वाह 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 बट टेल मी अबाउट द एन फैक्टर ऑफ है ना इफ the till... मेरे पास जो टाइम मिल रहा है ना मैं उसमें आकर के काइंड kind ऑफ of क्या कर रहा हूं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं काइंड ऑफ दिस इज काइंड ऑफ ना रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर आई और आई कैन रिकॉर्ड लेक्चर स्टूडेंट ऑन लाइव चैट मुझे तो क्या करना है ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखने यार, अपने channel पर. अगर लोग लाइव आ गए तो लाइव में मैं कुछ लोगों का और भला कर दूंगा लाइव नहीं भी आएंगे तो यार दिस इज काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग कोई आए या ना आए दिस इज काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग दिस इज यार ये है उस स्टूडेंट के लिए भी है जो गाँव में ना अकेला बैठा हुआ है अगर उसके पास इंटरनेट है तो वो देख ले चीजों को ये इस कंट्री के किसी भी कोने में किसी भी स्टूडेंट के लिए है? हाँ ऑब्वियसली भाई मतलब ये ऐसा नहीं मुझे मतलब नहीं है आप आते हो ऑनलाइन आप आकर के सपोर्ट करते हो मेरे साथ डिस्कशन करते हो अच्छा लगता है उसे क्या होता है एनर्जी बनी रहती है कोई नहीं रहता तो बस इतना होता है कि खुद से खुद को मजबूत करना पड़ता है सो आई हैव टू ऑप्शन आई आई कैन रिकॉर्ड विदाउट एनी स्टूडेंट सो स्टूडियो में मैं ऐसे ही करूं कि भाई ऑनलाइन बिना जाए हुए जस्ट आई विल रिकॉर्ड एंड पुट द लेक्चर्स थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, मुझे आपसे ही तो एनर्जी मिलती है समझ रहे ना सो so, अब अच्छे हो अरे यार मैं बस एक नेचुरल सा इंसान हूं जिसने की कोशिश करनी है बस कि ओलंपियाड के लिए लोग समझ जाए सीख जाए भाई ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए अवेयरनेस में चाहता हूं और कुछ नहीं दूसरे कंट्री में लोग ओलंपियाड के लिए बहुत ज्यादा अवेयर है अपने यहां अवेयर है ये ही मेन्स नीट एडवांस यही करना है ये तो करना ही नहीं है मेरा मकसद है भाई 2021 का अपना मकसद है रिवॉल्यूशन लाना है ओलंपियाड के लिए बस ये और बहुत अच्छी अच्छी सीरीज लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत अल्टीमेट बहुत फायदेमंद बहुत कोशिश कर रहा हूं कि 2021 जो है वो काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन लाए ओलंपियाड के लिए अपने चैनल का ये पर्पस है देखते हैं कितना हो पाता है फाइट करेंगे जब तक जान फाइट करेंगे जब तक तो ऑफ फैक्टर ऑफ एल बताओ मुझको गाइस ये बताना था यार हाँ ये देखो पढ़ाओ सर और दिल की बातें मत बोलो <laughs> आप तो बड़ा चैट बॉक्स में आकर के चटर -चटर करते so, मैं ना बताऊं अपनी दिल की बात सो <laughs> एन okay, so फैक्टर का चाहिए था आदित्य ने कहा वन तो ने कहा निकालते हैं निकालने के लिए हमें क्या करना है

ये क्या हो गया सारे के सारे डिलीट हो गए यार यार किसी ने काली नज़र लगाई ना देख किसी ने काली नजर लगाई ना सारे डिलीट हो गया यार <laughs> कोई कोई बोल ही रहा था ना जब मैं दिल की बात अपनी बोल रहा था कोई बोल ही रहा था पढ़ाओ सर अच्छा आपने तो काली नज़र नहीं लगाई ना सो so, यार <laughs> यार दिल टूट ये टच स्क्रीन से कभी कभी गुस्सा आता बहुत ज़्यादा भाई तेरे पैर पढ़ूँ क्या मैं क्या करूँ मैं तेरा इतने नखरे तेरे रात में स्... मतलब ना मुझे लगता है कि ये ये दिन भर चला है ना तो अब <laughs> अंदर से ये गर्म हो गया है कि भाई मुझे कितना चलाओगे <laughs> सुबह नौ नौ बजे भी मैंने इसको शुरू किया था शुरुआत मैं ही करता हूँ इस स्क्रीन पे अंत भी मैं ही करता हूँ इसी स्क्रीन पे भाई मुझसे बहुत गुस्सा है कि भाई मैं तो <laughs> मैं तो जो है ना छोड़ूँगा नहीं <laughs> ये बदला ले रहा है बदला ले रहा है खींच के घूसा मारूंगा बदला ले रहा कहेगा चलो यार छोड़ो दर्द मेरा क्या बोलू दर्द फरा कोई गाना गाने का मन कर रहा है चलो यार बस और ये देखो ये माइक के नखरे यार एक तो इतना ये, तो ये दस फुट लंबा वायर दे दिया ना दिखाऊं आपको वायर दिखाऊं आपको वायर क्या ये देखो ये माला है ये मैं क्या करूं इसको लपेट के रखू क्या ये नीचे जो है ना फंसने लगता है आपको तो दिखता नहीं है किस हालत <laughs> हंसी आती कुत्ते कभी कभी क्या <laughs> यार उफ। मैं जब चलूंगा ना तो पीछे पीछे चलेगा मैं ऐसे से चलूंगा पीछे पीछे चलेगा और एक बार मैं तेजी से मुड़ गया ना तो पूरा का पूरा लपेट में आ जाएगा कि भाई रुक जा कहा जा रहा है भाई तू कंट्रोल में रह रुक जाए इसको थोड़ा ठीक करना <laughs> भाई, इतने नखरे है ना इनको अभी तुमने कैमरे को तो नखरे देखे नहीं सुबह में आकर के आधे घंटे पैर पड़ना पड़ता कैमरे के फोकस कर अच्छे से <laughs> चार बार नाचता हूँ ऐसे ऐसे भाई ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है, है ऐसे से करता हूँ तब जा करके के भाई का मूड होता है तब जाके ठीक होते हैं। बाकी तुम हालत तो देख ही रहे हो तुम तो स्क्रीन पे देखते हो कि तो तुमको हालत तो पता चलती नहीं होगी नीचे क्या हो रहा है और तो देखो ना यहाँ पर किसी ने जो है ना ये क्या करके रखा मतलब सेलिब्रेशन में तो बैलून रखे हुए हैं। हाँ ये ठीक हुआ ये बीच में जो बैलून भी आ जा रहे हैं बैलून फैले हुए यहां पर कोई कुछ, कुछ हुआ था ट्वेंटी फिफ्थ का सेलिब्रेशन तब से रखा हुआ है ये चलो यार अब जो भी है जिंदगी में यार ऐसे ही चलना है तो क्या चल रही थी हमारी बातचीत प्लस एच सी एल है तो ये ना जेड एन सी एल टू और एच टू ठीक है ये रिएक्शन चल रहा था मैंने क्या बताया भाई यहां पर तो इक्विवेलेंट फटाफट आपने बता दिए थे वन मोल हमने लिया था जिंक को स्ट्राइक्यूमेट्री अकॉर्डिंगली लिया तो इक्वेलेंस कैसे निकालेंगे एन फैक्टर था टू मल्टीप्लाइड बाई मोल वन तो हो टू ठीक है अब

तो टू डिवाइडेड बाई जो मोल्स है वो टू है हो गया, so किसका किसका आंसर आया था एच सी एल उनको से, ने लाया था। लाया था क्या स्टूडियो <laughs> के अंदर स्टूडियो मेरा <laughs> यार दिन भर मैं स्टूडियो में रहता स्टूडियो चंडीगढ़ में मतलब मोहाली एग्जैक्टली exactly. कैमरे पे फेंको नहीं एन, एन फैक्टर बताओ ना इधर उधर की बातें करोगे मेरा ध्यान बढ़ जाएगा प्लीज n factor of hcl 1 आया परफेक्ट वन करेक्ट है ठीक है सो टेल मी द n factor ऑफ zncl2 गाइस व्हाट शुड बी द n factor ऑफ zncl2 ठीक इसी तरह से निकालो n factor बताओ zncl2 का फटाफट 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 ये आपने कर लिया आप किसी भी रिएक्शन में बस ऐसे ही काम करना गाइस बस ऐसे ही काम करना है बस ऐसे ही काम करना है यस 2 आ रहा है क्या लेट अस चेक आपको

चमक रहा है ना चिल्लम चिल देखिए तो क्या बोलेंगे अगर मोल सेम है एन फैक्टर भी सेम आएगा हाँ टू अगेन बिल्कुल अरे मोल सेम हो गए ना एन फैक्टर भी सेम आएगा ठीक है चलिए यस सो एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो इक्वल टू टू ओके परफेक्ट है मैंने तो आधे से ज्यादा मिस कर दिया निधि अरे <laughs> कोई बात नहीं यार रिवाइंड करके देख लेना चलो गाइस अब आपके लिए सुपर डुपर क्वेश्चन टफ नहीं हुआ अभी थोड़ी देर बाद होगा टफ क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि व्हाट इज बट ऐसा भी नहीं मैं बहुत इज़ी भी नहीं दे रहा हूं थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि इस पर कुछ बातें की जा सकती है कि हाँ यार जिसने बनाया उसको कुछ तो मिलना चाहिए कोई तो प्राइज मिलना चाहिए व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ एच एन ओ थ्री इन द रिएक्शन ये पता लगाना है एच एन ओ थ्री का एन फैक्टर ऑप्शन ए एट बाई थ्री ऑप्शन बी थ्री बाई फोर ऑप्शन सी फोर बाई थ्री ऑप्शन डी ऑल ऑफ नन चलो देखिये दम दिखाओ दम दिखाओ अमित सर हाय सर क्या है ऑल दो आई एम नॉट गिविंग आई क्रीजेज बट सर इस सो हार्ड भाई मैं हार्ड वर्किंग नहीं भाई बस कोशिश कर रहा हूँ मोशन वर्सेज आर्मी होना चाहिए ना भाई होना चाहिए रोमा वर्सेज आर्मी खेल ले आपको मिलेगा बहुत बड़ा वाला गोलगप्पा बहुत बड़ा वाला गोलगप्पा आपको मिलने वाला है लास्ट टाइम आपको लड्डू पे पहुंचाया था मैंने भाई आंसर आ रहा आ रहा है पद्मावती प्लीज टेक माय नेम पद्मावती। आई टुक योर नेम नाउ टेक माय नेम भाई जो बोलते हैं मेरे टेक माय नेम उन्हें मेरा भी नाम लेना पड़ेगा ऐसे नहीं चलेगा यस 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 लैग आ रहा है ऐसा ना बोलो यार दिल टूट जाएगा मेरा यहां लैग दिख नहीं रहा यार आपको लैग आए ना और आपका मूड खराब हो तो याद कर लिया करो मेरे पास ये माला है ये देखो <laughs> गुरु जी की माला है। इससे खुश हो जाया करो कि आपसे ज्यादा दुख मेरे पास ठीक है और ये माला नीचे लटक रही है बाबा नहीं सर क्लियर है ओके चलो बेहतरीन थैंक यू जलपा सो भाई

कॉपर का निकाल लो फर्स्ट देखो कभी भी किसी रिएक्शन में बातें सुना बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहां पर बहुत टर्निंग पॉइंट है और इसके बाद तो टाइट्रेशन टाइट्रेशन में कुछ नहीं गाइस जो जो चीजें पढ़ रहे हैं ना इसी से टाइट्रेशन के सारे क्वेश्चन होने <laughs> जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं एक दो और रिलेशन बताऊंगा वही टाइट्रेशन है, फिनिश कुछ करनी नहीं होता टाइट्रेशन में आपको जो सेकेंड स्टेज तक चाहिए आई एन जे एसओ तक भाई ओहो सब टच हो जाएंगे बिंदास कोई फंसा ही नहीं सकता नॉर्मैलिटी इसी से हम टच कर लेंगे चले जाएंगे डिस्कशन कर लेंगे बिंदास सब कटाघट बन जाएंगे सो so, यही की पॉइंट है ये आपकी प्रैक्टिस ही ऐसा करा रहा हूं कि की पॉइंट बन करके आपके पास रखा जाएगा और मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिस पार्ट इज गोइंग फॉर द सेकेंड पेपर ऑब्वियसली सेकेंड पेपर के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो फर्स्ट पेपर के लिए आपकी प्रैक्टिस को और अच्छे लेवल पर ले जा रहा है एंड इट इज ऑल्सो गिविंग यू स्ट्रेंथ इट इज ऑल्सो गिविंग यू पावर कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो एंड ऑल्सो गिविंग यू एक्यूरेसी विद स्पीड सब कुछ इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन हायर लेवल दैट यू एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड गाइस अगर आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हो टफ क्वेश्चन करते हो इफ यू आर सॉल्विंग टफ क्वेश्चन इफ यू आर सॉल्विंग गुड क्वेश्चन स्पीड बोथ जो बहुत जरूरी है अब देखो क्वेश्चन में है क्या आपको सोचना था Just like last, last time. Copper has zero oxidation state here, and here copper has plus two oxidation state. How can we find oxidation state of copper here? Because see, nitrate, this is nitrate, and every nitrate has a negative charge, one negative. So one negative charge on one nitrate, two negative charge on two nitrate. So two negative charge here and two positive charge here on copper. Right? So balancing the charges will give you two positive charges on copper, that is that oxidation state. Will be. सो एन फैक्टर कॉपर का क्लियर है सी जीरो से प्लस टू दैट मीनस के एन फैक्टर आ गया कॉपर का टू एन फैक्टर ऑफ कॉपर इज क्लियर सही है सो नाउ फाइंड आउट द इक्वेलेंट ऑफ कॉपर स्मार्टली इक्वेलेंट्स ऑफ कॉपर निकाल लो इक्वेलेंस ऑफ कॉपर विल बी एन फैक्टर टू मल्टीप्लाइड बाई मोल्स दैट इज सिक्स एंड नाउ भाई आपने इक्वेलेंट इसका निकाला अब यही इक्वेलेंट सबका हो जाएगा सो so इसका भी इक्वेलेंट क्या आ जाएगा सिक्स राइट right? अब एच एन ओ थ्री का इक्वेलेंट निकालना है थ्री का इक्वेलेंट आपने निकाल लिया सॉरी इक्वेलेंट ऑफ एच एन ओ थ्री एस सेम एज कॉपर यही तो लॉ ऑफ इक्वेलेंट ने सिखाया हमें सो इक्वेलेंट ऑफ एच थ्री टू सिक्स एंड इट विल बी इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एच एन ओ थ्री

कथ्योरी सॉल्व किया था तो बहुत अच्छी बात है गाइस बता नहीं सकता मैं बहुत अच्छी बात है अगर आपने सॉल्व किया था तो थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ लव पागलो जैसा प्यार आपके लिए अगर आपने सॉल्व किया था तो पागलो जैसा प्यार, प्यार, प्यार तो रो नहीं सकता बस बता नहीं सकता बहुत खुशी है गाइस बहुत ज्यादा चलो तो मैं चेंज करूं बहुत अच्छी बात है आपने किया तो मजा आ गया फोड़ दिया आपने तोड़ तोड़ फोड़ दिया हम्म आ इज़ ओके यस पता नहीं कैस तो चेंज करे हटे बढ़ जाए आगे बढ़ जाएंगे जाए ना बढ़ जाएंगे ओके इन द सेम क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन सिक्स इन द सेम क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट एन फैक्टर रेशियो ऑफ एनओ एंड एच टूओ इन द रिएक्शन इस रिएक्शन में एनओ और एच टू ओ का एन फैक्टर का रेशियो बताना है सच में आपने सॉल्व किया था ना लास्ट टाइम तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन कभी आंसर कर दोगे ओ भाई <laughs> आदिति तो पहले से तैयार है कि टू इज टू वन ओके अमित बात करेंगे श्योर ओके अमित श्योर 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 विल टॉक टू यू पार्ट वन ज्यादा पार्ट वन ज्यादा सवाल है दैट मींस के मानस व्हाट शुड बी द आंसर व्हाट शुड बी द आंसर ढेर सारा प्यार भाई वन इज टू टू सीपी बाइस देखो यहां पर एक ना हम एक बहुत ही इजी बहुत ही इजी ट्रिक फॉलो करते हैं क्या ट्रिक है से देखिएगा सी यहां पर देखिए सपोज दैट यू आर राइटिंग

सो कैन यू से दैट के एन फैक्टर रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ मोलर रेशियो कैन वी से दैट एन फैक्टर रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ मोलर रेशियो एन फैक्टर रेशियो इज रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ मोलर रेशियो देख रहे हो एन फैक्टर रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ मोलर रेशियो कह सकते हैं क्या आएगी ये बात आएगी ना बिल्कुल तो बस इसका यूज करना है आप देखो ना यहां पर मोलर रेशियो फाइंड आउट कर लो टू इज टू फोर दैट मीन इज टू टू अब इसका रेसिप्रोकल कर दो बस तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बी आर्मी ने कौन सा आंसर ज्यादा दिया था ए ऑप्शन मुझे ज्यादा दिखाई दिए आर्मी को लड्डू मिला <laughs> इस बार आर्मी वाट इज योर ओके शिवम हाय एंड ओके शिवम गुड नाइट टेक केयर कोई नहीं कोई नहीं अच्छा सिली मिस्टेक यू कैन नॉट से सिली मिस्टेक इट इज कॉल्ड चिली मिस्टेक मेरे सामने सिली मिस्टेक नहीं बोलना दांत तोड़ दूंगा चिली मिस्टेक चिली मिस्टेक व्हाई आर्मी गई आर्मी गई ये आर्मी गई कैसे हो गया आर्मी गई हाँ चिली मिस्टेक बिकॉज के चिली पता है ना मुंह में बिल्कुल तीखा लगता है सिली तो मिस्टेक बहुत दर्द देता है बहुत कड़वा लगता है बहुत वरना इधर लगता है मिर्च लग गई सो इट इज कॉल्ड चिली मिस्टेक नॉट चिली मिस्टेक इज ब्लंडर चिली रेड चिली मिस्टेक देयर इज अ ग्रीन चिली एंड देयर इज रेड चिली सो दिस वाज अ रेड चिली मिस्टेक हाँ ये रात में तो लोग इतने आते हैं ना पूछो मत मैं उल्लू और मेरे साथ ढेर सारे उल्लू मैं सिर्फ उल्लू नहीं हूँ मैं सवेरे भी जागता हूँ फिर सवेरे भी आकर के लाइव लेता हूँ <laughs> so, सुबह आई रात में आई भाई मेरे साथ थर्टी फर्स्ट की रात में कौन कौन पढ़ रहा है भाई जो पढ़ेगा उसके मैं नाम नोट करूंगा और दे विल बी हकदार ऑफ पार्टी ऑफ अ ग्रैंड पार्टी इन फ्यूचर जब कोविड खत्म हो जाएगा दे विल बी हकदार ऑफ ग्रैंड पार्टी आर्मी का जीरो <laughs> आर्मी का लड्डू हो गया हाँ, मैं नाम लिखूंगा थर्टी फर्स्ट की रात में कौन मेरे साथ इतिहास बनाएगा कि फर्स्ट जनवरी को थर्टी फर्स्ट से फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को खत्म किया था पढ़ते हुए खत्म किया था पढ़ाई करते हुए खत्म किया था ट्वेंटी ट्वेंटी को ट्वेंटी ट्वेंटी ने हमारी हमारी बहुत बैंड बजाई हम ट्वेंटी ट्वेंटी की बैंड बजाएंगे हम 2020 की बैंड बजाएंगे थर्टी फर्स्ट की रात में पढ़ के दिखाएंगे हम 2020 की बैंड बजाएंगे ट्वेंटी फर्स्ट थर्टी को रात में पढ़कर दिखाएंगे ओके देखा जाए बातें तो बहुत लोग करते हैं लेकिन है ना सब बेवकूफों वाली माला पहना देते हैं जैसे यह पहन गाइस लेकिन हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी इज द बेस्ट अच्छा इज द बेस्ट हम लोग मिले इसीलिए राइट इट डाउन प्लीज सर एकदम लिख लेता हूं देखता हूं कौन कौन आता है सब सारे लोग घूम रहे हो और देख रहे हो कोई टीवी शो है ना भाभी जी घर पे सब मुझे पता सब थर्टी फर्स्ट को जाओगे भाभी जी घर पे देखने के लिए भाभी जी घर पे जीजा जी छत पे सब तुम लोग चले जाओगे देखने के लिए मुझे पता कोई नहीं आएगा पढ़ने को कोई बात नहीं मैं नोट करूंगा देखूंगा लिखूंगा देखते कौन कौन आता है ओके तो भाभी जी घर पे हैं उनके नाम पर आपने निकाल दिया एन फैक्टर हा जी पबजी देखिए ना पबजी क्या अभी जो है सब कुछ खेल रहे देखिए साथ साथ अरे यार ये माला से मुझे कुछ और याद आता है रोहित सर की माया याद आ जाती है ओके गाइस हाँ

मोलर रेशियो का रेशी मैंने दो स्पेसिस के लिए लिखा है एन फैक्टर का रेशियो मोलर रेशियो का रेशी होगा हमेशा सो so, अगर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो फटाफट आंसर आएंगे ओके जरा देखिएगा एक बार फिर से ये हमारा रिएक्शन था ना गैस 3cu plus 8hno3 8hno3 है ना और 3cuo3 all two देखिए टाइट्रेशन का बेसिक बता करके मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसके लिए आपको तैयार करा रहा हूं सो अपनी जान लगा के रखिए टाइट्रेशन कब फिनिश हो जाएगा पता नहीं चलेगा मैं फिर आपको समअप करूंगा कि देखो कैसे 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 अप में क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन से रिलेशन पर आते हैं एकदम तोड़ फोड़ के निकाल दोगे बिकॉज के सबसे अच्छे वाले केसेस आप ऑलरेडी कर रहे हो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको मैंने एक्चुअली एक 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 ऐसा काम किया आपको पता नहीं चला और आपका बहुत बहुत अच्छा अच्छा था गाइस थैंक यू सो मच उसके लिए आपका रिस्पॉन्स अच्छा था बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे एफर्ट दिए सो अब मैं और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं और ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा हूं को क्या बता रहा हूं से बना 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 ठीक है टेल मी मोलर रेशियो क्या है कॉपर एंड एच एन थ्री का मोलर रेशियो थ्री एट राइट दिस इज मोलर रेशियो गाइस सो व्हाट इज द इन फैक्टर रेशियो गाइस बताओ मुझे फटाफट वहां लिखो चैट बॉक्स में और तेज फास्ट तेज फास्ट क्या आएगा एट इजू थ्री बिल्कुल सही थैंक यू आदित्य फास्टेस्ट फिंगर एट आएगा कैच करना सीखो तो -फट। अब तो फटाफट 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 बिल्कुल 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 फास्टेस्ट फिंगर बनो गाइस अलग से पॉइंट है आदिति के नाम गया फास्टेस्ट फिंगर एट इस मतलब स्क्रीन पे फ्लैश किया उसका है ना ओके अच्छा सुमित आपका है बट मेरी स्क्रीन पे जो फ्लैश किया क्या बताऊं मैं चलो कोई बात नहीं बहुत अच्छा आपका था दो मोलर है भाई कॉपर और H3 का एन फैक्टर का ठीक है अब मुझे बताओ कॉपर का एन फैक्टर कितना निकाला था टू अब एन फैक्टर से एन फैक्टर के रेशियो से इसका एच थ्री का एन फैक्टर फट से निकल जाएगा अब हम देखो लास्ट टाइम तक हम सॉल्विंग कर रहे थे एन फैक्टर निकाल रहे थे अब हम करेंगे नहीं अब हम फास्ट काम करेंगे हम फटाफट फटाफट क्या करेंगे देखेंगे किस तरह से रिएक्शन बैलेंस्ड है

कॉपर का एन फैक्टर टू है पता है अब इसका यूज करके फटाफट एच का निकाल दो अगर इसका एट होगा कॉपर एच ठीक है अगर इसका एन फैक्टर एट तो इसका एन फैक्टर थ्री अगर इसका एन फैक्टर टू तो दिस विल बी थ्री बाई एट मल्टीप्लाइड बाई टू दैट इज थ्री बाई फोर देगा फटाफट आ गया ऐसे करना है नाउ दिस विल बी द हाँ, बिल्कुल 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 श्रेया इसी तरह से चलेंगे सारे लोग समझ गए समझ गए सारे लोग ना हैव यू अंडरस्टूड गाइस गिव 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 मी 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 थम्स अप यार हार्ट्स टूथ्स दांत और दिल देते रहो मुझे दांत और दिल देते रहो सो so, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं एक बार रिवाइज करा रहा हूं फटाफट अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसके पास एक बहुत ही गोल्डन सुनहरा चमकता दमकता मौका है देखने का कॉपर के लिए आप लिख रहे हो इन फैक्टर के अगर एट होगा तो ये थ्री हो जाएगा तो यार अगर वन होगा तो ये थ्री बाई एट होगा तो अगर ये टू हो गया तो भाई मेरा थ्री बाई एट मल्टीप्लाइड बाई टू करना थ्री बाई फोर आ जाएगा देख समझ रहे हो भाई मेरा बहन मेरी देख रहे हो सारे लोग देख रहे हो पहचान में आ गए किस तरह से निकाल रहे हैं यार इसी तरह से जस्ट मी दैट के इसका एन फैक्टर क्या होगा जस्ट के इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे कितना आएगा आप देखो मोलर रेशियो यहां पर सेम है ओहो भाई एन फैक्टर सोचना ही नहीं टू होगा यस, मयंक आई एम विद यू, थैंक यू भाई है ना यश टू यस देखो तो ऑल गुरु टू आएगा ना टू आएगा देखा ऐसे निकालते हैं अगर मोलर रेशो सेम तो एन फैक्टर सेम ही आएगा ना टेंशन ही क्या है फट से लिख दिया ओके okay, चलो इसका बताना नेक्स्ट एन फैक्टर ऑफ एनो एन फैक्टर ऑफ एनो सी और एनो NO देखो ऐसे लिख लो सी यू एनओ आप इसके साथ भी चल सकते हो कोई दिक्कत नहीं सी और एनओ एन फैक्टर मोलर रेशियो थ्री इस टू टू सो एन फैक्टर का रेशियो क्या आएगा टू इस टू थ्री और इसका एन फैक्टर ऑलरेडी टू है तो एन फैक्टर थ्री आएगा आपका ध्यान खींचने के लिए हंसा मैंने नहीं 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 एनो का थ्री आ जाएगा ना हाँ बिल्कुल रोशनी अरे भाई फोड़ा सबने सबने तोड़ा फोड़ा सबने तोड़ा फोड़ा, फोड़ा भाई पक्कर थाकर, थाकर थाकर फोड़ा सर में बहुत अच्छे बहुत अच्छे इसी बात पर माला जय हो माला देवी सही है गाइस बताओ मुझे बेंदासा सर एनटीएस स्टेशन में क्या बोर्ड की बुक पढ़ सकते हैं या ओनली एनसीईआरटी अविनेश एक्चुअली ना यार एनालिटिकल स्किल्स अच्छी करनी होती है तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन अविनेश स्टेज टू यार एनालिटिकल स्किल्स के होते हैं गाइस गाय सिंह यस सर यस मजा है ना अब तो हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस आ रहा है दोस्तों कॉन्फिडेंस आया कॉन्फिडेंस 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 अप यस चलो यार थैंक यू यार थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सो गाइस फाइनली एन फैक्टर बेस टू क्या है

1.53 बाय 2 लोगों का आंसर आ रहा भाई कैसे ला रहे हो आंसर भाई कितना आसान है यार 2 एंड 4 का रेशियो है एनओ से ही ले लेते हैं ना एनओ एन एस टू टू इज टू फोर ये मोलर है तो n फैक्टर का रेशियो कितना आएगा फोर इज टू टू है ना दैट मीन्स के टू इज टू वन टू इज टू वन चलो और एनओ का भी कितना निकाला था गाइस एनओ का n एन फैक्टर क्या आया था थ्री आया था सो so, टू के लिए वन है थ्री के लिए कितना हो जाएगा थ्री बाई परफेक्ट यार क्या आंसर लाया है? रोमो वर्सेज आर्मी रोमो वर्सेज आर्मी क्या चल रहा है रोमो वर्सेज आर्मी क्या स्कोर आया भाई रोमो वर्सेज आर्मी रोमो का कितना हो गया जी रोमो के टू <laughs> वन है ना वन लव चल रहा है क्या वन लव चल रहा क्या वन लव और टू लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट बुक मॉरिसन वाइट पढ़ना है पढ़िए दिल से पढ़िए मॉर्शन बाइट साथ में पीटर साइक्स ले लीजिए वैसे अगर आप जेई एडवांस फोकस कर रहे हैं तो एलजी वेट एंड पीटर साइक्स मैं आऊंगा एक सीरीज लेकर के उससे रिलेटेड राघव सैली सर हम आज मिले थे आपसे भाई मेरा कब मिल लिया मुझसे मैंने देखा ही नहीं टू लव है भाई नहीं <laughs> अच्छा रोमो का टू है या फिर आर्मी का टू है ऑबवियसली रोमो 2 होगा आर्मी लड्डू नहीं यार बट आपने आंसर किए यार हाँ चलो चलो आपसे स्टार्ट करते हैं ठीक है अब अब स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं हैं क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पर आ भी गए हो सो वी कैन से दैट के यार अब चलो आपको तंग करते फंसाते हैं सो हेर इज अ क्वेश्चन हम लोग लव लव पर है जीरो जीरो पर है गाइज यहां से स्कोर होगा सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन है फाइंड यस हेलो कैनिश रागा व्हाट्साह हाँ हाँ फॉर एंड टेस्ट टू बिल्कुल अभिनीश मैंने बताया जैसा सर मेन्स मेन्स एनसि क्या है मेन मेन का मतलब तो लड़के होते हैं मर्द होते हैं मेन्स एनसीआरटी इज़ मस्ट आई थिंक आप जे ही मेन्स बोल रहे हो ना सर इज सोलम फ्राइल गुड हाँ जी मैं मैं रेफर करता हूँ सुनिए ऑर्गेनिक के लिए जानना है मैं ऐसे ऑर्गेनिक के लिए आपके लिए सीरीज लाने वाला हूं देखिएगा उसमें मैं क्या-क्या बताता हूं बट आपके लिए अगर जे एडवांस फोकस कर रहे हैं द बेस्ट इज एलजी वेड विथ पीटर साइक्स कैनिस राघव लूपस ओ इन क्रैश कोर्स कैनिस स्वागत है आपका जय पथवा अरे भाई मैं भी बिग फैन आपका 73 इस uh, 73 आ रहा है क्या सर कोई गाना सुन एंड दिए <laughs> भाई अभी नहीं दोस्त अभी हालत बहुत खराब है बीच में ब्रेक लेते हैं थोड़ा खाते हैं फिर सो गाइस फाइंड इक्वाल ऑफ सी इन द रिएक्शन इस रिएक्शन में का निकालना था ट्रिक क्या है गाइस देखो मैंने आंसर देखा अब आपके ना आपके मार्क्स कटने वाले हैं एल जी ओरिजिनल नो इंडियन एडिशन नो इंडियन एडिशन ओनली ओरिजिनल ओके देखिए तो भाई बीच बीच में आंसर कर रहा हूं बट गाइस पता है क्या सबसे बेस्ट है ना जब सेशन खत्म हो रहा हो ना तो ऐसे क्वेश्चन डाला करो बहुत रिक्वेस्ट है प्लीज तो ध्यान वेट वे, इन आप फसा लोगे खुद को सी ये बैलेंसिंग हो गई आप बैलेंसिंग से देखो आप वन इज टू फोर का मोलर है। यार किसी एक का ना एन फैक्टर निकालो एम एन ओ टू का श्योर निकल जाएगा श्योर निकलेगा कैसे निकलेगा सी देखिए आप एच सी एल के लिए नहीं लगा पाएंगे एक्स मॉड्यूल ऑफ सी माइनस एफ बट यू कैन अप्लाई ये दिख रहा है क्या दिख तो रहा है चमक तो नहीं रहा ना थिंक दैट ना नहीं चाहिए देखिएगा तो

फैक्टर रेशियो इज फोर इंस टू वन बट द एक्चुअल एन फैक्टर ऑफ एम एनो टू इज टू गाइस यहां पे दिख रहा है ना साफ दिख रहा है okay. so, मुझे बताओ एन फैक्टर टू यहां पर फोर इज टू वन आ रहा है मोलर रेशियो से मोलर रेशियो इज वन टू फोर सो एन फैक्टर रेशियो इज फोर इंस टू वन यहां पर लिख दू मैं ओके लेटमी राइट इट हेयर एम एनो टू एंड एच सी एल मोलर रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोलर रेशियो मोलर रेशियो

इज़ द विनर भाई। रोमो लड्डू रोमो के पास जीरो है एंड आर्मी इज अप विथ वन पॉइंट। एक ही पॉइंट दे रहा हूं <laughs> बट यार अच्छा था आपने अच्छा काम किया सेवेंटी थ्री दिखाई दिया मुझे सो चलेगा है ना? चले बड़े फिर नेक्स्ट चैलेंज की तरफ बट नेक्स्ट चैलेंज पे जाने से पहले आपको मैं फॉर्मुलेशन करके दिखाऊं कि कुछ फॉर्मुले का ध्यान रखिएगा अब फिनिश देखिएगा जो आपके टाइट्रेशन का सेक्शन है उसकी प्रैक्टिस का एक पार्ट खत्म है दूसरा पार्ट अभी हो रहा है और फिर आपको प्रोसीजर पर ले जाऊंगा प्रैक्टिस करने का सॉल्विंग करने का फंडा आप ऑलरेडी जान चुके होंगे सो आई विल जस्ट शो यू के हाउ द क्वेश्चन इज आस्ड एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज है ना बहुत पहले की बात आपको बताऊं आज से ट्वेंटी ईयर्स पहले जेई का जो अपना रूप होता था जेई एडवांस का उसमें टाइट्रेशन के क्वेश्चन बहुत लेंदी लेंदी आते थे तो और लोग बहुत डरते थे पीपल वेयर काइंड ऑफ के यार क्राइंग के यार के

है ना दो मिनट जस्ट मुझे दो जैसे गर्म पानी लेकर के आऊं आप में दम है तो चलना नहीं दम है तो सो जाना गाइस कोई बात नहीं है नहीं दम होगा सो जाना मैं तो पढ़ाऊंगा भी और फिर शुरुआत बंद करेंगे ठीक है मुझे क्या करना मुझे फाइनली टाइटेशन तक ले लेकर के शक्ल दिखा दिखाकर रोक देनी है आज दिले है आज लेट है हम फिर कल उसको फिनिश करेंगे मैंने दो ग्लास ऑलरेडी रखी है जी आते हैं कबीर रुक जाइए भाई आते हैं गर्म पानी पी के अगर दम रहेगा सो भाई आई विल गाना गा रहे हम तो गा ही लेते हैं मुझे क्या मतलब तो फटी आवाज़ में लता भोसले की आवाज़ में मैं गा ही सकता हूँ आपको बर्दाश्त करना हूँ मुझे सो ब्रेक वन हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन कमिंग ज्यादा हो गया क्या टू फोर्टी सेकेंड ज्यादा हो गया टू फोर्टी सेकेंड मोर देन टू टू फोर्टी अरे यार टू फोर्टी सेकंड से ज्यादा नहीं हुआ ओहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मजेदार अच्छा चल सी आप पानी कैसे पीते हो ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन सी जूर 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 ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ यू अभी PUBG खेलो भाई रुलाएगा <है> क्या <laughs> रो दूंगा मैं अच्छा सॉरी बैठ के पीना है गले को बचाने का यही तरीका दोस्त वर्ल्ड पी रहे हो भाई क्या गा? अपने जैसा समझाए <laughs> अरे नहीं दोस्त अपन जो है फिटनेस के खिलाड़ी वो सब काम नहीं कर सकते भाई किसका इंस्टाग्राम देख लिया तूने मेरा पेट तो बहुत बड़ा है देखा नहीं क्या तूने हाँ? नींद नहीं आ रही क्या आज प्रतीक ने आज पहली बार देखा मुझको दोस्त ऐसा कुछ नहीं है आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई लेक्चर और कुछ लोग लाइव चैट में साथ में है यही है ओके चलो सो गाइज मूव ऑन है ना फर्स्ट पार्ट एंड है सेकेंड पार्ट और मैंने बताया कि फिर जो भी कुछ आप सीख रहे हो अभी उसको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली के बता रहे हैं। और उनको, मैं भी करूंगा, Finally, आप सब कुछ जान चुके हैं उसको मैं एक जगह लिख रहा हूं दो तीन फॉर्मुले एक्स्ट्रा हैं उनका कभी कभी यूज आ सकता है स्पेशली नॉर्मैलिटी वाला ठीक है सुनिएगा फिर हम टाइट्रेशन को सॉल्विंग का तरीका आप सीख चुके आपको सिखाना गया था इक्वेलेंट ऑफ ऑल इज सेम इन अ गिवन रिएक्शन सिखाना गया था किस तरह से इफ यू नो इक्वेलेंट ऑफ वन स्पेसीज यू कैन फाइंड इक्वेलेंट ऑफ अदर यू कैन फाइंड एन फैक्टर ऑफ अदर यूजिंग द मोलर रेशियो ये आप सीख चुके सबसे धमाकेदार चीज आ गई आपको अब बस आपको थोड़े और जो लेस रिलीवेंट क्वेश्चन है लेस लेस रिलेवेंट जो है, थोड़ा कम जो यूज होते हैं वो भी दिखा दें ताकि बातें पूरी तरह से फिनिश हो जाए नेक्स्ट okay? क्लास so, पर खूब प्रैक्टिस करेंगे करें सब चीजों पर आज भी हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं बट फटाफट और रिलेशन करके कुछ क्वेश्चन बना करके फटाफट आपका स्कोर लड्डू पे पहुंचाते हैं अपना स्कोर मैं ऊपर ले जाऊंगा सो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज ओके आप तो खराटे भी मार दोगे <laughs> बोलोगे यस सर ऐसे कर रहे हो आप लोग तो कोई बात नहीं करो सो so, क्या है रिलेशन एन फॉर्मूले भाई इक्यूवल इसके ना अलग अलग फॉर्मुला गाइस देखो एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोल वैसे तो इसका सबसे स्टैंडर्ड रिलेशन का बट यू नो दैट के मोल के अलग अलग रूप होते हैं अब जैसे देखो यू नो दैट के मोल को ना आप ऐसे लिख सकते हो गिवेन वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट राइट अब आप क्या करो गिवेन वेट को वैसे ही छोड़ करके मोलिकुलर वेट के नीचे एन फैक्टर लगा दो देखो फॉर्मूला क्या बन गया वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट देखा सो हेर इज न्यू फॉर्मूला इक्विवेलेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो गिवेन वेट डिवाइडेड बाई वेट कैरी मिनाटी भाई कैरी मिनाटी भाई हर शो में लास्ट में जाते जाते मेरा नाम लेता है मोएद इसको बुला मोएद झाड़ू दे मोएद लाइट ऑफ कर भाई थैंक यू भाई आप आए यहां पर थैंक यू सो मच फॉर्मूला सीख करके जाइएगा भाई भाई अब तो करियर चूज कर लिया मैंने देख लीजिए सो गाइस ये फॉर्मूला आ गया ना सेकंड फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय इक्वल वेट बोलो यार थम्स अप दो यार प्यार दो यार क्या कर रहे हो गई वन हम्म फ्लेक्स आर्य नाम से आपकी ही आईडी है

है ना बस मोलिकुलर वेट की जगह पे इक्वेलेंट वेट करोगे वो इन वो बन जाएगा इक्ुअलेंट मोल है ना मोल के लिए गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट होता था आप यहां पर गिवन वेट वेट बाय करो फट से वो बन जाएगा equivalent. अब नेक्स्ट चलो मोल का एक और फॉर्मूला होता था मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम है ना मोलैरिटी आप याद करें मोलैरिटी को रफली आप कैसे लिखते हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर याद है सो so, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे मोलैरिटी से तो क्या मिलता है मोल अब देखना एन फैक्टर इन टू मोलैरिटी इज ए न्यू क्वानिटी दैट इज नोन एज नॉर्मैलिटी एक नया फॉर्मूला बन गया देखा नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम वॉट इज नॉर्मैलिटी वो एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी है सो नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज इक्वेल एंट मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज मोल्स वेर इज दांत और दिल वेर इज दांत और दिल वेर इज दांत और दिल ठीक है ठीक है भाई ठीक है सो so, ये बात हो गई तो so, अब हम हमारे पास कितने फॉर्मुले आ गए फैक्टर इंटू मोल वेट बाई इक्वेल एंट वेट नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम हाँ ये भी एक फॉर्मूला बोल सकते हो अपने लिए वो तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है ठीक है देखिए नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी इज एक्चुअली वाट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर डिफरेंस देखिए मोलारिटी एंड नॉर्मैलिटी में मोलारिटी एंड नॉर्मैलिटी में देखिएगा डिफरेंस मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम उससे नॉर्मैलिटी बनेगी मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से क्या बनेगा मोलैरिटी बनेगी अरे भाई मैंने दोबारा रिपीट किया खासकर ये और भी अच्छे से माइंड में फिट कर लो नॉर्मेलिटी आएगी तो इक्वेलेंट आ जाएगा मोलैरिटी आएगी तो मोल्स आ जाएगा इक्वेलेंस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर डन ठीक है सो भाई यहाँ पर अच्छा नॉर्मेलिटी को आप वैसे भी लिख सकते हो नॉर्मेलिटी इजक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी ठीक है सो मैं क्या कर रहा हूँ इसको हटा रहा हूँ इस फॉर्मूले को ऊपर ला रहा हूँ वो तो डेरिवेशन था सो ये तीन फॉर्मूले अभी तक आपको पता चल चुके हैं ओके ना आगे देखिए फिर से आइए इसी फॉर्मूले पे। एन फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाई मोल्स को कैसे लिख सकते हैं मोलर सॉरी गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर 22.4 लीटर क्या होता है गैस दिस इज मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एन टीपी रफ में एस टीपी बोलते बट एन टीपी है ना 22.4 लीटर डब्ल्यू बाई नहीं वॉल्यूम बाई मानस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ट्वेंटी लिखना दोस्त ठीक है वेट नहीं लिखना दोस्त दोस्त वेट नहीं लिखना से से वापस आए लिखा फिर से, and multiplied by moles के लिए हम कितना लिखते हैं किसी गैस का गिवेन वॉल्यूम गिवेन वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर है ना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर एनटीपी पर की वैल्यू भाई प्यार से मिट जा भाई प्यार से मिट जा भाई 22.4 22.4 so, अब देखना आप ध्यान से एक्चुअली व्हाट मोलर वॉल्यूम है ना अब N factor को ना इस molar volume के नीचे लिख लो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम बाय एन फैक्टर पता है ये क्या लाने लगता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम सो एक नया फॉर्मूला बन गया क्या नया फॉर्मूला बन गया वी कैन राइट इक्वेलेंट इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं देखा टोटल चार फॉर्मूले अभी तक आपको दिखा दिए और ये तो खैर अलग है चार फॉर्मूले अब भाई आप इसमें से कहां गड़बड़ करोगे देखो मैं यहां पर फिर से एक बार रिपीट करूं इसको फटाफट भाई बड़ा सा आजा हाँ फटाफट रिपीट करूं देखिए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एक फॉर्मूला था फिर हमने क्या किया इस मोल को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा सो एन फैक्टर डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम दैट इज फोर राइट अब हमने क्या किया इस एन फैक्टर को इसके नीचे लाया जब एन फैक्टर को इसके नीचे लाएंगे सो so, अब क्या बन जाएगा भाई वी गिवन डिवाइडेड बाई वी इलेट और साइड में बता दिया ट क्या है मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर देखा सारी बातें क्लियर हो गई सारी बातें क्लियर हो गई बस हो गया टाइट्रेशन इन्हीं फॉर्मूले से बनेगा सारा डिस्कशन इन्हीं फॉर्मूले से होगा हो गया दिमाग में रहना चाहिए सबका सोर्स ये था सबका सोर्स कौन था ऊपर वाला रिएक्शन था ना और ऊपर वाले रिएक्शन से सारे डिराइव हुए बोलो अब बोलो मैं लिख दो जय माता दी इन फैक्टर इंटू मोल सारे डिराइव कर दिया उसी से क्या मैं खड़ा हो जाऊ रियक्शन सर सारे के सारे फॉर्मूले मैं बता सकता हूं हाँ जय माता दी के नाम से भाई बताओ मुझे जल्दी जल्दी फॉर्मुला बता मैं सामने खड़ा सारे फॉर्मुला लिख करके दिखाओ वेट डिवाइडेड बाई वेट डिड बाई इक्वल एंड वेट दूसरा फॉर्मुला ती, तीसरा नॉर्मैलिटी वॉल्यूम भाई मैं क्यों हट रहा हूं नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम फिर गिवेन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इक्ट वॉल्यूम

जल्दी अंकल आंटियों जल्दी बताइए फैक्टर इज़ द मेन हीरो एंड वाह वाह भाई आंखों से आंसू सब सब आ जाएंगे मेन फॉर्मूला वही था सारे के सारे उससे आ जाएंगे और आप लिख नहीं रहे हो इसलिए मैं मिटा रहा हूं शाबाश थैंक यू अभिराज अच्छा अभिराज तू बोल रहा है एक बार दोबारा करा दीजिए अभिराज दोबारा करना है? वीडियो रिवाइंड करो वीडियो रिवाइंड करो भाई वीडियो रिवाइंड करना यू रिवाइंड द वीडियो भाई हा? हाँ हाय अंजलि अभिराज बोलो भाई मेरा जल्दी 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 अब लोगों के लोग जो थक रहे हैं वो अब थकने वाला टाइम आ रहा है परेशान हो रहे हो है ना इनफैक्ट नेक्स्ट बढ़ा जाए ओके भाई फटाफट फटाफट देखिए एन फैक्टर इंटू मोल की जगह पर ना आप गिवेन वेट बाई मोलिकुलर वेट पुट करेंगे मोलिकुलर वेट के नीचे लेता है ये N को, पहले आपको पता है एक मोल का मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर तो वेट डिवाइडेड बाई ये बन गया इक्वाल वेट बिकॉज के नीचे, नीचे को लेता आइए एक दूसरा फॉर्म बन गया नेक्स्ट एन फैक्टर इंटू मोल

यहाँ पर पुट करते हैं लीटर, so, ये तो कैंसिल नहीं होता कैंसिल <laughs> होता वन आता है ना मजाक करो दिल पे मत लीजिए है ना बहुत ज्यादा दिल पे लेते हैं आप सो so, ट्वेंटी इतना तो आपकी गलतियों को मैं दिल पे लेता तो पता नहीं कब का जो मेरा दिल जो है वो कितने सारे टुकड़े में बढ़ चुका so, यहाँ पर वन आ जाता

और इक्वेलेंट वॉल्यूम का भी आप फॉर्मुला साइड से नोट कर लो क्या आ गया इक्वेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर राइट है हो गया सारी बातें खत्म इन्हीं से सारा टाइट्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व होना है क्योंकि टाइट्रेशन में करना क्या लॉ ऑफ इक्वेलेंस लगाना है बस और इक्वेलेंट के रिलेशन आते हैं सब मस्त बनेगा बनेगा सर फॉर ग्रेड इज आस्किंग सर फॉर विच ग्रेड भाई दिस इज जूनियर साइंस ओलंपियाड फॉर क्लासेस अप टू एट टू टेन बट डी ओ बी के अकॉर्डिंगली आप हायर क्लास में भी दे सकते समीर सर है स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स ऑसम भाई समीर सर मेरा तो नाम नहीं है किश और समीर सर के बारे में बात कर रहे हो कुछ और भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात भाई मैं तो चलो कोई बात नहीं हटा डन है दाने? मुझे नहीं पता है सबीर सर के बारे में बट आई थिंक दैट आपके फेवरेट होंगे और ये बहुत अच्छी बात है जी चलो भाई दाना ना। <laughs> हाँ अंजलि सर यू आर इग्नोरिंग भाई मैं कहा इग्नोर कर रहा हूँ देख नहीं रहा सबको सबके मजे ले रहा हूं मैं <laughs> भाई कितना सीरियस हो गया देखो तो पढ़ना को मैं मजाक करता हूं तो लोग जो कितना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं हाय हैंडसम सर भाई पाए लागू वो व्हाट्सअप थैंक यू सो मच भाई तारीफ़ करने के लिए लोगों को देखो इतनी देर से साथ में लेकिन किसी ने भी नहीं बोला तारीफ़ नहीं किया एक भाई मेरा आया और देखो प्यार की बातें करके गया थैंक यू भाई हाँ सुबह होने वाली गाइस तो इसीलिए फटाफट फार्मूला फार्मूला डन है ना फार्मूला डन है ना भाई बहुत बहुत दम दिखाया आपने बहुत दम दिखाया आइए देखते हैं कैसे यूज किया जाता है और फिर ना कल के सेशन में पूरा रिवाइज करके आप प्रोटीन शेक पी के आगे क्या हाँ भाई तुझे तो अलग से पॉइंट्स मिलने वाले हैं माला पहन ली जाए मेरा सर घूम रहा है पढ़कर आप मुझे बैन क्यों कर रहे हो मैं भाई मैं क्या कर रहा हूं तो ऑटो में भाई टेक्निकल टीम देखते रहती है भाई <laughs> भाई मैं मैं बिंदास पढ़ा रहा हूँ अपनी टेक्निकल टीम देखती रहती है उसको कुछ आपका नहीं पसंद आता है मैं क्या करूँ इसमें है ना सो टेक केयर बस क्या के आपके मैसेजेस ऐसे रहे कि वो उनको पसंद आए वो तैयार बैठे रहते हैं है <laughs> ना ना hmm. no. <laughs> चलो इसमें मेरा दोस्त नहीं है गुस्सा मेरे ऊपर नहीं निकालना प्लीज़ क्योंकि गाइस बस केयर करना वो केयर वो देखते रहता है कि स्पैमिंग वगैरह अगर हो रही है तो हाँ सुशांत प्रणाम 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 सॉरी ना गाइस ऐसा हो रहा है तो बट क्या है कि टेक्निकल टीम अपना काम करती रहती है दोस्त उसमें कुछ नहीं कह सकते वो नहीं करेंगे तो पता है क्या ना यहाँ पर बहुत डिसेंट स्टूडेंट्स आते हैं ना पढ़ने को सो so, हमें एक ना बहुत अच्छा एक माहौल बना करके रखना और मैंने जैसा बताया कि भाई न्यू ईयर रिजोल्यूशन नहीं न्यू ईयर रिवोल्यूशन है दो में तो लोगों को ऐसा अवेयर करेंगे ओलंपियाड के लिए ना कि कंट्री का ना कंट्री में स्टूडेंट्स की ना सोच बदलनी है बिल्कुल ओलंपियाड को जितना इग्नोर किया ना लोगों ने उनको समझाना है कि ओलम्पियाड से फायदे बहुत है आप फोकस्ड वे में अगर आप जानकारी रखो गाइडेंस अच्छी हो आप बहुत अच्छा कर सकते हो शेलोक होम्स मेरा भाई थैंक यू भाई शेरलोक होम्स थैंक यू टू सिगरेट सर डोंट टेक टेंशन भाई मैं तो चिल बनता रहा हूँ भाई मैं तो टेंशन लेता ही नहीं <laughs> मैं तो बिंदा से ऐसे ही पढ़ाता हूँ क्या फर्क पड़ता है मुझको आज तक नहीं पढ़ा ओके सो गाइस फटाफट आ जाओ देखो अपनी बातें फटाफट बता करके फिनिश करते हैं फिर कल के सेशन को और धमाकेदार बताएंगे बनाएंगे आज तो काफी लेट से शुरुआती हुई है बट कोई बात नहीं फिर भी आपने बहुत दम दिखाया बहुत बहुत साथ दिया आपने थैंक यू सो मच अल्लाव सो मच बहुत ज्यादा ही साथ दिया आपने अनएक्सपेक्टेड था इतना ज्यादा साथ देना चले आइए क्वेश्चन करते हैं देखिए आप फॉर्मूले रिकॉल कर लीजिए वेट बाई इक्वेल वेट नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम गिवेन वॉल्यूम बाई क्वेलेंट वॉल्यूम है ना फिर नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन था इन फैक्टर इन टू मोलैरिटी ओके सो देखिए क्वेश्चन है कि वॉट इज नॉर्मैलिटी ऑफ हंड्रेड एम एल एच सी एल सोलूशन वेन इट इज टाइटरेटेड आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया वेन इट इज टाइट्रेटेड बाय 50 ml ऑफ 2 एम एन दिस इज द क्वेश्चन गाइस क्या होगा नॉर्मैलिटी पूछी गई एच सी एल की टाइट्रेशन हो रहा है एच सी एल का है ना सो so, टाइट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो आज तो हमने न्यूमेरिकल सेक्शन पर डिस्कशन किया है अगले दिन आपको प्रोसीजर समझा करके जितने आपने मेहनत किए ना न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए सब आप देखेंगे कितना इस क्वेश्चन में भी दिखेगा कितना फटाक से आप इसको सॉल्विंग कर देंगे आपसे पूछा गया एस का वॉल्यूम सपोज दैट ये एस रखा हुआ है सॉरी एस का नॉर्मैलिटी हंड्रेड एम एल है इसकी नॉर्मैलिटी पूछी गई है है ना पहले तो देखिए यहां आपने जो अभी जो इन फैक्टर का जो डिस्कशन आपने किया है ना

जिस किसी भी एसिड का टाइट्रेशन दैट मीनस कि आप किसी अननोन की वैल्यू निकाल रहे टाइट्रेशन बेसिकली मीन किसी अननोन की वैल्यू निकाल रहे हैं वट अननोन नॉर्मैलिटी इसकी वैल्यू निकालनी बाहर से अप क्या कर रहे थे आप बेस एड कर रहे थे राइट right? सो so, अब जो बेस है ना इस बेस को देखना इस बेस को देखना बेस जो है एन है और वो ऐड किया जाएगा तो वो क्या है उसका टोटल वॉल्यूम 50 एम दिया गया है और जो मोलैरिटी दी गई है वो टू दी गई है ठीक है ये हमने इन्फो लिख लिया हमने एक डायग्राम बना लिया कि भाई यहां पर अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दू देखो अभी आई की जो क्लास चल रही है इसमें चीजों को बहुत वट एवर आई हैव टू डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू आई यू मैंने शुरुआत की है बहुत ही जीरो लेवल से बट आप ये मत समझना कि ये दो साल का कोई कोर्स है क्लास एलेवेंथ और ट्वेल्थ के लिए ऐसा कुछ नहीं है अगर जो कोर्स रहेगा हमारा क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ गाइस तो वो वैसे चलेगा ये आई यू क्यू जी एस है जो कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम ट्राई कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा चीज़ें सीख सकें और एक ही दिन दो पेपर है सो तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें हों ठीक है मैं देख नहीं रहा कि आप क्या लिख रहे हो डिलीट भी हो रहा है वो ठीक है सो मैं आपको समझाऊँ देखो आप इस बात को समझना कि ये कोई टू ईयर का कोर्स नहीं हो रहा है कि टू ईयर के कोर्स के जैसा मैं हर स्टेप को बताऊंगा और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक भी नहीं जाएंगे हम हम तो एग्जाम फोकस्ड स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर रहे हैं समझिए इसको एग्जाम फोकस्ड स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर रहे हैं हाय हाँ हाँ कोर्स चल रहा है ऑलरेडी अर्न ऑलरेडी कोर्सेस चल रहे हैं और लिंक्स में आपको दिख जाएंगे आयुष एकदम मस्त सो so, मैं क्या बता रहा था कैस कि समझो इस बात को ये कोई टू ईयर का कोर्स नहीं चल रहा ना आई यू क्यू के लिए ना एक फोकस्ड स्टडी करा रहे हैं आपके एग्जाम्स भी हो सकते हैं स्कूल के और दूसरे इन्वॉल्वमेंट भी हो सकते हैं बट हम ट्राई कर रहे हैं कि आप यूट्यूब पर आओ तो हमारे चैनल पर तो आपको फोकस्ड स्टडी मिले बट ऑब्वियसली अभी अब हम लोग फिर जो है वन ईयर कोर्स टू ईयर कोर्स के अकॉर्डिंगली ना यूट्यूब पर काम करेंगे बट अभी वो काम हम नहीं कर सकते अभी हमारे पास कम टाइम था चैनल लॉन्च हुए भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और मतलब प्लैंड वे में अभी हमने यूट्यूब पर प्रोग्राम डाला कि जितने दिन बचे हुए उसमें फोकस्ड स्टडी कराएंगे स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए श्योर sure. बट ना इसको कंपेयर नहीं कर देना किसी वन ईयर कोर्स से या टू ईयर कोर्स से या थ्री ईयर कोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते आप छोटे हो बच्चे हो आपको चीज़ें नहीं होती हैं अच्छे से पता होती हैं आप कंपेरिजन कंपेरिजन आपको जिंदगी में कंपेरिजन सिखाया गया है आपको घर परिवार ने बाहर में समाज ने सबने कंपेरिजन सिखाया जो कि गलत बात है आपका कॉम्पिटिशन आप होते हो या आपको समझना चाहिए आपका कॉम्पिटिशन आप हमेशा ना दूसरों को मानते हो और आप अपने ऊपर फोकस करने के बजाय दूसरों को देखते हो तो कहा जाता है ना कि विनर्स फोकस ऑन विनिंग बट लूजर्स फोकस ऑन विनर्स तो आप विनर हो ना आप खुद पे फोकस करो दोस्त वो लूजर्स का काम है दूसरों पे फोकस करना ठीक है ये जो प्रिपरेशन हो रही है आई ए एस की दोस्तों ये यार एग्जाम फोकस प्रिपरेशन है और ऑब्वियसली इसमें हम वैसे नहीं चल सकते जैसे दो साल का कोर्स होता है या एक साल का कोर्स होता है तो वैसे कि कंफ्यूजन मत रखना वैसा हो नहीं रहा है आई होप बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं क्योंकि जो लोग एनर्जी दिखाते हैं पता है मुझे समझ में आता है कि वो लोग जान रहे हैं कुछ लोग हो सकता है कि नहीं जान रहा उसके लिए कभी कभी ये भाषण बहुत ज़रूरत है मेरा बहुत ख़राब लैग आ गया अरे कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग देख लेना अच्छा आयुष बहुत सही भाई हेलो जय तो चलो इजी क्वेश्चन है वैसे आपके लेवल पर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगने वाला है बट मैंने एक पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की कि देखो कुछ ऐसा हो रहा है है ना अरे कैसे भी लिखा गया सो so, यहां पर ऐसा कुछ है कि यार एच का ना हंड्रेड एम है एंड नॉर्मलिटी है हमें नहीं पता कोई बात नहीं यार नॉर्मिलिटी नहीं पता तो अब यहाँ पर बाहर से जब टाइट्रेशन होता है तो टाइट्रेशन, टाइट्रेशन करना पूरा प्रो प्रोसीजर होता है उसमें क्या करते हैं टाइट्रेशन करने के लिए हमेशा ब्यूरेट पिपेट का पूरा अरेंजमेंट होता है कल मैं दिखाऊंगा आपको स्लाइड्स में बहुत अच्छे से ड्राइंग वगैरह बनी हुई है बट मैं आज चाहता था आज के आज सॉल्विंग की जान निकाल के रख दो आप तो सॉल्विंग की जान थी सारे रिलेशन जानना फैक्टर्स कैलकुलेशन करना रिएक्शन दिया गया उसमें एक स्पेश की इंफॉर्मेशन पता दूसरे सबके बारे में के बारे पता लगा लेना जो तो आपने जान ऑलरेडी निकाल दी ये भले ही आपको अभी ज्यादा क्वेश्चन करके मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि सुबह हो चुकी है बट आज अच्छा कल नहीं बोल सकता मैं आज फिर से जो क्लास होगी रात में उसमें आप देखेंगे सॉल्विंग करके बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर देंगे क्योंकि ट्रिक्स पता चल चुके तो यहां पर देखिए जो एन है एनएएच को देखिएगा एनएटी एम इसकी इंफॉर्मेशन दी गई और 2 एम इसकी मोलैरिटी दी गई है ठीक है अब पूछा जा रहा है कि नॉर्मैलिटी क्या होगी एच की हमें तो पता ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे इस रिएक्शन से HCL plus से प्लस है ना और सुनिए जब रिएक्शन होगा हमें पता है रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा प्रोडक्ट से मतलब नहीं है चलिए अगर आपको फिर भी दर्द हो रहा है पूरा रिएक्शन लिख देते हैं एनएचसीएल एच टू लिख दिया

क्योंकि मोलैरिटी है तो नॉर्मैलिटी भी आ जाएगी तो नॉर्मैलिटी इन वॉल्यूम किसके लिए के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला लग गए मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एस ये बराबर आ गया नॉर्मैलिटी ऑफ एनएच मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एनएच पहले आपको बता दे आप बिल्कुल प्रोसीजर से चले हर चीज आप समझ रहे हो

NaOH, एक बेस है और ये रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है तो जब रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होता है कल आपको नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के भी इन फैक्टर से रिलेट करके बातें बताएंगे डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो ठीक है बट आज आपको ब्रीफ uh, में बता दें अगर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन अगर तो एसिड बेस OH निकालना बहुत ईजी होता है कोई रिएक्शन रिएक्शन अगर नहीं भी दिया रहेगा फिर भी आप निकाल सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन में देखिए मैं ये नहीं बोल रहा एसिड कैन ऑल्सो अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन इफ एस आपको याद नहीं अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था

कुछ भी हो जाता कोई फर्क नहीं पड़ता समझ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाता नॉन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है तो फटाफट बता सकते हैं का हो का होगा, होगा, क्योंकि एक ही एच प्लस H+ एच में क्योंकि प्लस लेकिन अगर रेडॉक्स होगा HCl का एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है NaOH का कुछ भी हो सकता है बट पॉजिटिव होगा निगेटिव नहीं होगा समझ रहे आई एम फाइंड जी डी So, यहां पर गाइस क्या करना है एन फैक्टर एन फैक्टर कितना आएगा वन और मोलैरिटी कितनी है टू और वॉल्यूम कितना है फिफ्टी देखा so, कितना हंड्रेड तो नॉर्मैलिटी एस सी एल की कितनी आ रही है One. So, इस titration में नॉर्मेलिटी पता करनी थी एस सी एल की और वो आ गई नहीं पता चला बताओ मुझे पता चला चमका चिल्लम चिल्ला चमका नहीं चमका गाइस बताओ तो फिर हम लोग गुड नाइट करें बहुत अच्छे से नहीं तो फिर फिर से डिस्कशन करें जब तक ढंग से नहीं समझोगे नहीं जाएंगे जान जाएगी बट हम नहीं जाएंगे बताओ गाइस hey हे hey, बोलो भी सारे लोग सो गए क्या सब खराटे मारने चले गए मैं भी चला यार नहीं समझे समझ गया क्या सच्ची दिल रखने के लिए बोल रहा हूं समझ रहा हूं मैं दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ नॉट अंडरस्टूड देखा ना भुपन ने बोला ना नॉट अंडरस्टूड नो नॉट अंडरस्टूड चलो भाई फिर से समझा रहे हैं। देखो फोकस करना इस बार तो समझ के रहना है ना इस बार समझ करिएगा रहिएगा इस बार तो समझ के रहना ओके ओके सी एच सी एल एंड एनएच ये रिएक्ट करेंगे ये बनाएंगे लॉ ऑफ इक्वेलेंस क्या बोलता है गाईश? बताओ। equivalence of HCL, ये लिख सकते हैं ना इक्वेलेंस ऑफ एनए के ये कहता है ना आपको शुरुआत ही यहीं से करनी है आपने सीखा क्या आज आपने क्या सीखा है लॉ ऑफ इक्वेलेंस आपने क्या सीखा इक्वेलेंट के अलग अलग रिलेशन फॉर्मुले मैंने क्या बताया टाइट्रेशन में किसी अननोन की वैल्यू निकालते हैं बस उन्हीं रिलेशन से ना अननोन की वैल्यू ढूंढ दो कुछ नहीं होता और हो में क्वेश्चन को हो सकता है लेंदी बनाएंगे ढेर सारे प्रोसीजर दे करके प्रोसीजियोर वही रहेगा ज्यादा लेंदी क्वेश्चन होगा उसके स्टेप्स ज्यादा होंगे कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट वही रहेगा तो आप सबसे पहले लॉ ऑफ इक्वेलेंस तो लगाओ इक्वेलेंस बराबर करो अब जब आप इक्वेलेंस बराबर करोगे तो लिखोगे ना क्या लिखोगे आपके पास कई सारे फॉर्मूले इक्वेलेंट के बट डेटा इज इन टर्म्स ऑफ नॉर्मैलिटी वाला वही चाहिए तो फॉर्मूला अप्लाई करो ना नॉर्मैलिटी वाला अननोन जो ढूंढना है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मुला अप्लाई करना दैट इज द प्रोसीजर दैट इज द ट्रिक ठीक है सो नॉर्मैलिटी और नॉर्मैलिटी ऑफ एच सी एल मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एच सी एल बराबर नॉर्मैलिटी ऑफ एनएच मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एनएच पुट किया है ना देखिएगा लोग ना इसको इस फॉर्मुले से भी याद रखते हैं पता है क्या ये फर्स्ट स्पेसिज है इसका नॉर्मेलिटी इन वॉल्यूम बराबर सेकेंड स्पेसिज एन टू बी टू एन वन वी एन टू बी टू करके रट जाते हैं समझते नहीं है, है तो समझा समझा के चला रहा हूं कि समझना जरूरी है दोस्त मेरा रटना थोड़ी ना यार हमें कभी भी ठीक है सो नॉर्मैलिटी ऑफ ए सी एल मल्टीप्लाइड नॉर्मैलिटी ऑफ एन एवेज मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एन एवेज

एच सी एल प्लस एनओ एच इस पूरे प्रोसीजर में एन एच का एन फैक्टर वन होना है क्योंकि वो एक ही एच रखता है इफ देर इज एसिड बेस रिएक्शन इज इज अ अ नॉन भाई एसिड बेस रिएक्शन नॉन होता है 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 ना ये क्या एसिड बेस रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन और ये नॉन रेडॉक्स है दिस इज अ नॉन अडॉक्स रिएक्शन सो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं N फैक्टर सी एच प्लस ओ एच माइनस बस H प्लस कितना रिलीज कर सकता है ये एक N फैक्टर वन कितना ओएच रिलीज कर सकता है एक N फैक्टर वन ऐसा है ग्रीन दिख भी रहा है हाँ कुछ कुछ तो दिख रहा है ओके okay? बोलो गाइस बोलो 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 ओके सो तो भाई एनएओएच का N फैक्टर तो वन आना है वन हो गया मोलारिटी ऑफ एनएओएच कितनी है टू वॉल्यूम कितना है फिफ्टी ना इसको मैं ब्लैक कर दूं भाई क्यों क्योंकि हो सकता है कि गड़बड़ हो रहा हो ना दिख रहा सो टू इंटू फिफ्टी अब यहां देखना नॉर्मैलिटी इंटू हंड्रेड बराबर हंड्रेड आ गया सो नॉर्मेलिटी ऑफ एच सी एल जो हमें चाहिए था वो कितना आ गया वन आ गया नॉर्मेलिटी ऑफ एच सी एल ये था प्रोसीजर ठीक है करके देखना, ना समझ में आए तो ओके okay, चलो बाय थैंक यू लव यू सो मच आप बंद कर रहे कल फिर शुरू करेंगे इसे टेक केयर गाइस थैंक यू सो मच लव यू सो मच बाय चलते हैं अभी पता है क्या मैं थैंक यू लव यू आपसे ना स्लाइड पे प्रिंटेड नहीं लाता हाथ से लिखता हूं फीलिंग आती है चलो गाइस बाय टेक केयर लव यू सो मच गाइस लव यू सो मच बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर बिंग दियर जाने जा दोनों जहा मेरी में आ भूल जा दोनों जहा दीवाना दर्द खास छीना इश्क के सास ने बेखयाली दी है तेरी याद ने चाया जरूर है कुछ तो जरूर है ये दूरियां जीने में मद आलम मेरा तुझे ना पता और जान जान दोनों जहान मेरी बाहों में आ भूल जा